उनके कंपनी में अगर कुछ ओपनिंग्स आती है, तो जैसे कि मैं लोगों के हेल्प के लिए रेडी रहता हूँ कि चलो ठीक है यार, हमारा आधा घंटा एक घंटा गया तो इससे कई लोगों के हेल्प हो गया, तो क्यों ना आप भी इस चीज़ में जुड़ो। और क्या बोलते हैं, जैसे आपको लगता है कि यार यहाँ पर ओपनिंग निकल रही है और ये ओपनिंग्स किसी की हेल्प कर सकती है, तो ग्रुप में आपने क्या कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है, सबसे सिंपल काम। दूसरी चीज़, आपको नहीं पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, ठीक है, आप जब कंपनी में काम करते हो तो वहाँ कंपनी में एचआर की एक पॉलिसी होती है, ठीक है, जिसके बारे में मुझे विशेष करके बताना है आप सबको। कंपनी में एचआर की पॉलिसी होती है कि अगर उस कंपनी को, सपोज आप निलसॉफ्ट नाम की कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में एक रैबिट मॉड्यूलर की ज़रूरत है, BIM मॉड्यूलर की ज़रूरत है, तो अगर आप एचआर को हेल्प करते हैं और आपके रेफरेंस से कोई एम्प्लॉई उस कंपनी में जाता है, ठीक है, कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता है, तो मिनिमम 5,000, जो बहुत स्टैंडर्ड कंपनियां हैं 10,000 का आपको रेफरेंस अमाउंट देते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ हुआ, एक तो क्या हुआ कि किसी के घर में दाल रोटी बहुत अच्छे से चलने लगी, उसमें आपका एक छोटा सा योगदान क्या था, आपने बोला कि मेरा रेफरेंस डाल के आप ओपनिंग्स क्या बोलते हैं अप्लाई कर दो, शॉर्टलिस्टिंग हुई, आपका कुछ नहीं गया और आपको में फ्री का 5,000, अगर कुछ कंपनियाँ और 10,000 भी देती है, कुछ 15,000 भी देती है, बट एवरेज हम 5,000 लेके चलते हैं, एक इम्प्लॉय की आपने हेल्प किया और 5,000 रुपये का आपको इजिली कलेक्शन हो गया। अब बोलोगे सर ये मुझे पता नहीं था कि मेरे कंपनी में ऐसा है, आप किसी भी कंपनी के एचआर से पूछ लीजिए, हर कंपनी की मतलब 95% कंपनियों की पॉलिसी रहती है, 5% जो बहुत स्मॉल स्केल होंगी वो नहीं दे पाएंगी, 95% कंपनियां अगर आप उनको अपने तरफ से इम्प्लॉय अरेंज करके देते हैं तो वो आपको पैसे देती है। आप बोलोगे सर वो पैसे क्यों देंगे, हम एक तो हमारे कहने पर वो क्या बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, वो पैसे क्यों देंगे, ठीक है। तो उनके पैसे देने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, रीज़न क्या होता है, पहला रीज़न ये होता है कि सपोज नदीम ने आशुतोष को रेफरेंस दिया हुआ है, क्या नदीम ने आशुतोष को रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें मुझे गारंटी मिल गई कि यार नदीम तो अपना इंप्लॉई है, इसने आशुतोष को दिया होगा तो डेफिनेटली आशुतोष एक अच्छा इंप्लॉई होगा, ठीक है, इसलिए उसका रिज्यूम वगैरह देख के ही शॉर्ट लिस्ट कराया होगा। दूसरी चीज, जब हम कभी भी सपोज यूनिक सिविल को कोई इंप्लॉई चाहिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम naukri.com पे डालते हैं पोस्ट कि हमें इंप्लॉई चाहिए, ठीक है, हमारा जो मिनिमम खर्चा जाता है एक पोजिशन को भरने के लिए लगभग 10,000 रुपये जाता है, कितना जाता है, 10,000 रुपीज जाता है मेरा, कब, जब मुझे यूनिक सिविल के लिए एक अच्छा एम्प्लॉई चाहिए। तो आप लोग सर क्या मजाक कर रहे हो, 10,000 रुपये कैसे चला जाएगा आपका, 10,000 कुछ ऐसा जाता है, एक या चार मिनिमम 3 से 4 दिन और मैक्सिमम लगभग 15 दिन तक आपके पीछे लगती है, ठीक है, आपको कॉल करती है, आपको इंटरव्यू कराती है, आपका इन द सेंस केवल आपका नहीं हो रहा है, 100-150 लोगों का हो रहा है, उसमें से 2-3 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो एक एचआर की अगर हमारी जो एवरेज सैलरी है, अगर उसे हम लोग देखते हैं कि अगर एक एचआर की एवरेज सैलरी 1,000 रुपये अ डे है, 1,000 अ डे है, अगर उसने 10 दिन भी लगाए तो मेरे 10,000 रुपये तो यहाँ खराब हो गए। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, मैं इंडीड पे जा रहा हूँ, मैं naukri.com पे जा रहा हूँ, या फिर मेरे जैसे कुछ लोग जैसे जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बनाते हैं उनको दे रहा हूँ कि आप बताइए, तो कोई भी फ्री में नहीं बोलता है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लोगों की हेल्प हो रही है, बट जो रियल में रूल है कि मुझे भी ओपनिंग्स से सपोज क्या बोलते हैं ब्लैक एंड विच कंपनी में ओपनिंग्स है तो मुझे नहीं बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए तो कंपनी को बोलना चाहिए कि आप पैसे दोगे तब मैं बोलूँगा, बट हमें लगता है कि यार हमारे लोगों की हेल्प हो रही है तो डजेंट मैटर। तो आपको क्या हो रहा है, वहाँ पर कंपनी का पैसा बच रहा है, कंपनी का पैसा कैसे बच रहा है, कंपनी सीधी सीधी बात है कि अगर वहाँ से आती कंपनी और नौकरी पे इंडीड पे लिंक्डइन पर बार बार कॉल करते फिर बुलाते, और नदीम ने डायरेक्ट आशुतोष को हायर करवा दिया, कंपनी में शॉर्टलिस्ट करवा दिया, फट से आशुतोष आए इंटरव्यू दिए, अच्छे इंप्लॉई हैं, कंटिन्यू हो गए। तो याद रखो कि आपने एक तो सबकी हेल्प की, दूसरी चीज़ क्या हुआ कि आपको उस हेल्प के बदले में पैसे भी मिल गए। तो मैं चाहता हूँ कि इस रोल को आप लोग अप्लाई करिए अपने उसमें, ठीक है, अभी अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये 2 से 3 हज़ार पब्लिक से हम लोग हैं, ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर्स, ठीक है, मैं तो अपनी जो सिविल इंजीनियर्स कम्युनिटी है उसको एज अ फैमिली देखता हूँ, तो ये जो 2 से 3 हज़ार फैमिली का पूरा हम लोग का सेट है, अगर इसमें एक एक लोग भी थोड़ा थोड़ा स्टेप्स ले रहे, जैसे कि कुछ लोग बहुत क्या बोलते हैं अपने इसमें ही बहुत से हेल्पफुल पर्सन है, ठीक है, जो हेल्प करने में बिलीव रखते हैं, तो अगर कंपनी में ओपनिंग निकल रही है डाल दिया, ठीक है, चलो हमारी कंपनी में नहीं है कोई बात नहीं,
कहीं और देख रहे हैं, ठीक है, आप लिंक्डइन पर घूम रहे हैं, घूम रहे इन द सेंस लिंक्डइन एक्सेस कर रहे हैं, आपने देखा है ये प्रोफाइल का जॉब बड़ा अच्छा है पर मेरे रिलीवेंट नहीं है, ठीक है, दूसरे किसी को रिफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि पहला काम आप लोग जॉब का रेफरेंस जरूर दीजिए, जहाँ जहाँ पर भी जॉब की ओपनिंग्स निकल रही है, जैसे प्रशांत आए हुए ये भी कई प्रोवर करते हैं, ठीक है। सभी लोग वीडियो को ऑफ कर लेना, क्योंकि आपके वीडियो से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हम देखने लगते हैं कि कौन अपना बालों सही कर रहा है, ठीक है। तो पहला काम यही हमें करना है कि जॉब का रेफरेंस क्या बोलते हैं आप देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, अब हम लोग के पास जो जिसके पास जो जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे किसी का जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे पर्सनली बताएं कि जॉब की प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ वो भी आप कर सकते हो एक एक करके। वहाँ पर ना हैंड रेज का ऑप्शन है, ठीक है, हैंड रेज का ऑप्शन है, उसको पिक कर लेना, तो जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं आपको एक एक करके बोलूँ, क्योंकि एक साथ बोलोगे तो किसी का समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे शुभम श्रीवास्तव कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो शुभम श्रीवास्तव की एक्सपीरियंस से या फिर शुभम श्रीवास्तव के क्वेश्चन से आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, क्यों? अच्छा, जो इनका क्वेश्चन हो सकता है किसी और का भी यही डाउट हो, ठीक है, तो शायद एक के डाउट से कई लोग के डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होंगे, तो हम चाहे जितना टाइम लग जाए एक एक करके आराम से सबका डाउट पहले क्लियर करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए पहले शुभम से स्टार्ट करते हैं। शुभम श्रीवास्तव आप अपना माइक ऑन कर लेना। हाँ शुभम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने बीटेक कंप्लीट किया है सर, और मैं अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ। करेक्ट जी जी, तो मैं अभी मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा टेक्निकल स्किल्स हमारे पास होना चाहिए जिससे मैं जॉब पास आउट ईयर क्या है सर? अभी रिसेंटली पास आउट हुआ। रिसेंटली पास आउट है, ओके, ठीक है। देखो अभी तुम्हारा सिंपल सा मैटर, ठीक है, मैं हो गया इतने कुछ ने जी जी, ओके, मैं एक मिनट माइक बंद कर रहा हूँ, तुम्हें फिर लगेगा फिर म्यूट ऑन कर लेना। देखो अभी सीधी सीधी बात है कि अगर हम बीटेक किए, ठीक है, मेरे पास कई लोग ऐसे मुझे डेली मैसेज आते हैं अप्रॉक्स, आपको पता है, तो कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने बीटेक किया हुआ है और मुझे जॉब चाहिए, तो मैं बोलता हूँ किस बेसिस पे, मतलब क्या आप कंपनी को देने वाले हो जिसके बिहाफ पर आपको जॉब दिया जाए। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर मैं आपको यूनिक सिविल में ही ऑफर करता हूँ जॉब के लिए तो मैं क्यों करूँ, इस क्यों का आंसर पहले आपको सर्च करना पड़ेगा। थोड़ा नेट का इधर उधर हो रहा है क्या? नहीं, अब सही लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज़ रुक गई ऐसे, बट सही है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या करना पड़ेगा, हमें ये फिक्स करना पड़ेगा कि हम कंपनी को क्या डेडिकेट करने वाले हैं। नो सर, सही, ओके, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा था, हम कंपनी को देने वाले क्या है। तो इसमें देखो मैं जो प्रिफ्रेंस दूंगा, ठीक है, क्योंकि जिसमें थोड़ी सी लाइफ हो वो जॉब मैं रिफ्रेंस देता हूँ, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप या तो BIM के लिए फोकस करिए या फिर स्ट्रक्चर्स के लिए, कुल मिला के कंपनी के लिए वैल्यू ऐड करिए। तो आप सिंपल, अगर आपका स्ट्रक्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है तो AutoCAD स्टैट प्रो आप अच्छे से अगर सीख लेते हैं आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो जाते हैं, नो डाउट। अगर उसके बाद आपके पास और भी टाइम है तो आप ETI वगैरह सीखिए, बट AutoCAD और स्टैट प्रो शुभम पहले तुमको करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो। अगर नहीं अच्छे हैं तो AutoCAD और Revit, ये दो चीज़ को पकड़ लो और एकदम स्ट्रांग बना लो, तुम्हारा 100% बेनिफिट होगा। शुभम, AutoCAD या Revit या AutoCAD एंड स्टैट प्रो, दो में से एक चूज कर लो और इसी को बेहतर कर लो। ओके, ठीक है, ये दोनों कर लिया ना, तो कंपनी को तुम कुछ डेडिकेट करोगे ना, कुछ दोगे, ठीक है। सीधी सीधी बात है, तुम्हारी दुकान खुली हुई है, ठीक है, और तुम बोले सर पैसे दो, मैं किस बात का पैसा दूँ? तुम बोलोगे ना कि सर ये जैकेट ले लीजिए, पैसे दे दीजिए, सर ये केला है हम बेच रहे हैं, केले का पैसा दे दीजिए, कुछ तो दोगे ना, तो कंपनी को डेडिकेट करना पड़ेगा। तो ये डिसाइड करो कि मेरा मैथ अच्छा है तो मैं AutoCAD और स्टैट प्रो सीखूंगा, और अगर आपका क्या बोलते हैं मैथ अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, डेफिनेटली आपका तब क्रिएटिव फील्ड अच्छा होगा, तो फिर आप AutoCAD और Revit को अच्छा करिए और BIM में चले जाइए। ओके, चलेगा। अभी सुजाता अपना माइक ऑन कर लेना, इसके बाद रोहित करेंगे। हाँ सुजाता बोलो। हेलो, बोलो। हेलो, हाँ सर, जैसे कि मुझे BIM में इंटरेस्ट है, हाँ, लेकिन मेरा AutoCAD ही सॉफ्टवेयर हुआ है। अच्छा। तो AutoCAD और Revit के बेसिस पे BIM में जॉब मिलती है क्या? ओके, या फिर वन मिनट सर, हाँ, हाँ, या फिर Mavis Work और BIM 360, ये सब सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं? हाँ देखो, मैं ये कहता हूँ कि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मुझे, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं लैपटॉप कौन सा ले लूँ, ठीक है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम
अपने पैसे से लेने वाले हो या फिर फादर के पैसे से लेने वाले हो, ठीक है? तो कुछ लोग बुरा भी लग जाता है, बट फैक्ट यही है। तो बोलते हैं सर मैं फादर के पैसे से लेने वाला हूँ, तो मैं बोलता हूँ तब ये मत देखो कि कौन सा लूंगा, ये देखो कि किससे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप फादर के पैसे पर 1.5 लाख का लैपटॉप ले रहे हैं, ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि अपने पैसे पर 2 लाख का लैपटॉप लिया जाए। तो मैं ये सजेशन दूंगा तुमको सुजाता, कि अभी ऑटो कैड रेबिट तुम्हारा अगर अच्छा है तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ तुम टेक्ला सीख लो। ऑटो कैड रेबिट आर्किटेक्चर रेबिट स्ट्रक्चर्स के साथ टेक्ला, ये प्राइमरी लेवल पर इंटरव्यू के लिए सफिशियंट है, ठीक है? नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर, सपोज अभी तुम नेविस्वर में चले गए या फिर थीडस मैक्स में चले गए, तुम्हारा काफ़ी टाइम चला जाएगा। प्लस हो सकता है कि तुम ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट्स में जाओ या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ जहां पर तुम्हारा बहुत पैसा चला जाएगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर BIM में करियर बनाना है आज के टाइम पर, जो पुणे की सबसे बेस्ट कंपनी है वी कंस्ट्रक्ट है BIM में, उनकी रिक्वायरमेंट तुम देख सकते हो। मुझे तो पता है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उनकी रिक्वायरमेंट है ऑटो कैड रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर्स और टिकला, ठीक है? बस इतना सीख के चले जाओ। हाँ, पोर्टफोलियो ऐसा हो कि तुम्हारा पोर्टफोलियो, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा पोर्टफोलियो, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं अभिषेक है, ठीक है, और दो तीन और स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पोर्टफोलियो आप देख लो, उस लेवल का पोर्टफोलियो बना लो, चले जाओ, इंटरव्यू तुम्हारा क्रैक हो जाएगा फिक्स से। और एक सर, और एक हाँ क्वेश्चन, बोलो। सिनेटिका सॉल्यूशन बोल के एक कंपनी है सर, सिंटिका वो सोल्यूशन से, जॉब, हाँ यस बोलो। यस, तो सर सर वो जॉब वैकेंसी हमेशा निकलती है और उसमें बोलती है कि वो खुद ट्रेन करेंगे टिकला में, और हाँ मैंने 2 बार यहाँ पे वैकेंसी में मेरा मतलब मैंने इधर मैंने मतलब वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी सर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया सर। ओके, ठीक है। ये सेंटिका करके, सेंटेक करके है कंपनी, नो सर, सिनेटिका सॉल्यूशंस, ये पुणे में है, यस, पिंपले सौदागर। पिंपली सौदागर में है ना, ठीक है। अगर देखो सीधी सीधी बात है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि ट्रेनिंग दे के रख रही है, ठीक है, तो फिर सही तरीका यह है कि ट्रेनिंग का उसे कॉस्ट नहीं लेना चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग का कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है, एक दो कंपनियां थी, तो एक कंपनी है कोई नागपुर की है, मैं नाम नहीं बोलूंगा इधर, बट उनको ऐसा था कि BIM की वो फीस ले रहे थे बच्चों से 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए। पहले तो सुन के मेरी हालत खराब हुई, ठीक है, चलो वो हजम किया किसी तरीके से। तो फिर ये बात हुई कि वो ये बोल रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं सिखा के अपने यहाँ पर ही रख लेंगे, ठीक है, और उसके लिए वो बोले कि हम गारंटी ले रहे हैं, जैसा कि मार्केट में कई लोग इस तरीके से बोलते हैं, बट ये फेक होता है, गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इन केस उन्होंने लिया, तो एक लड़के ने मुझे बोला, तो मैंने बोला यार तुम प्रैक्टिकली सोचो कि अगर 1 लाख पे करने पर जॉब मिल सकती है, सीधी सीधी बात है, बिना किसी परफॉर्मेंस के, तो बहुत से लोग होंगे जो कि 1 लाख रुपए पे कर सकते हैं और जॉब फिक्स सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी बात, एक कंपनी को हर हफ्ते या फिर हर महीने कितनी इंप्लॉय की जरूरत पड़ती है? अच्छी से अच्छी कंपनी होगी जिसका टर्नओवर अप्रॉक्स मान लो कि 70 से 80 करोड़ मंथली होगा, उनको मैक्सिमम 10 इंप्लॉय लगते हैं महीने भर में, ठीक है। अब तुम खुद समझ लो कि अगर हम एक पूरा का पूरा, मेरी जो BIM की बैच होती है 30 40 लोगों की होती है, तो हर महीने, तो मैं कितने लोगों को अपने पास ही प्लेस करूंगा? तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर अपने, क्योंकि आप उनका काम कर रहे हो ना, उनका तो बेनिफिट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो आपसे कोई एक अमाउंट फीस चार्ज कर रहे हैं, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग ना। नहीं, ऐसा तो कुछ उन्होंने बोला नहीं सर, हाँ उन्होंने बोला कि वो खुद ट्रेन करेंगे, तो उसी हिसाब से मैंने अप्लाई किया, लेकिन फिर भी वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया सर अगर वो ट्रेन, मैंने। वैसे तो ट्रेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और देखो ट्रेन मुझे नहीं लगता यार कि यार वो इस तरीके से, क्योंकि सेंटेक को मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लड़के काम कर रहे हैं टेक्ला वगैरह में, टेक्ला पे ही ज़्यादा निकलता है वहाँ पर, देखा होगा तुमने तो, ठीक है। तो अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट उन मेरे से भी पूछे थे, तो मैंने बोला था देखो पे नहीं करना, ठीक है, अगर वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग, आप पैसे मत लो उसका, ठीक है, आप सीखने जाओ, उसके बाद उनके यहाँ जितना दिन वो बोलते हैं काम करके बाहर आ जाओ, ठीक है। और वो थोड़ा सा ना देखो कंपनी, अगर हो सकता है कि अगर वो तुमको हायर करना चाह रहे हो, तो बेसिक नॉलेज देख रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ बेसिक नॉलेज है क्या उसका, जैसे कि अभी, उन्होंने, हाँ बोलो। उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑटो कैड थी और अच्छा बाकी कुछ उन्होंने दूसरे सॉफ्टवेयर के कोई रिक्वायरमेंट नहीं कही। ओके, तो मे भी तुम्हारे फिर रिज्यूम में कुछ प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर तुम 2 3 बार कर रहे हो तो क्यों नहीं किया, क्वेश्चन मार्क बनता है ना, ठीक है। हाँ, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो रिज्यूमे होते हैं वो ATS फ्रेंडली बनाना चाहिए। ATS फ्रेंडली क्या होता है, ऑटोमेटिक सॉरी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम मतलब कि
ऐसा रिज्यूम होना चाहिए, ठीक है, एक सेशन रख दूंगा इस पे कभी, ऐसा रिज्यूम होना चाहिए जो कि एटीएस फ्रेंडली हो, क्योंकि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम रहेगा तो शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी होती है। मे भी उसका प्रॉब्लम होगा तो मुझे डीएम करना या फिर ग्रुप में शेयर करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिव्यू भी बहुत अच्छी है, तो तुम देख के बना सकते हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, चलेगा। चिन्मय अपना माइक ऑन कर लेना, ठीक है। सभी लोग कम्प्रोमाइज मतलब कम्प्रोमाइज से वेट कर रहे हैं इसके लिए, थैंक यू। हेलो, हाँ चिन्मय, हाँ चिन्मय, समझ नहीं बिल्कुल, मैं देख रहा से। हेलो, हाँ थोड़ा नेट कट रहा है तुम्हारा कनेक्शन, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मैं सर 1.5 साल से सर काम कर रहा हूँ यहाँ स्ट्रक्चर की कंसल्टेंसी में। कितने साल से? जो 1.5 साल से सर। मीन्स 20 इयर्स? सर 1.5 साल सर, 1.5 इयर्स। ओ अच्छा, 1.5 साल से, वही मैं कहा कि 20 ईयर एक्सपीरियंस तो क्या बोलते, नहीं ठीक सर। है, तो थोड़ी आवाज कट रही थी, हाँ बोलो। हाँ तो सर, अब मतलब वो आरसीसी का काम है, ठीक है। अच्छा तो मैं सर, मैं सोच रहा था कि सर थोड़ा स्टील में भी सर थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाने जाए। तो सर ओके, इसके लिए सर क्या क्या सर सीखनी चाहिए मेरे को। ठीक है। अगर स्टील में एक्सपोजर मारना चाह रहे हो तो पीईबी बेस्ड, आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तुम पीईबी में देखोगे बहुत ढेर सारी जॉब भी है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि तुम ऑटोकैड सीखो, स्टैट प्रो सीखो। स्टैट प्रो कौन सा? पीईबी वाला, वो तो अलग होता है, ये जो आप आरसीसी का पढ़ते हो ये अलग है, ठीक है। स्टैट प्रो सीखो, उसके अलावा टेक्ला स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, क्योंकि टेक्ला स्ट्रक्चर्स में डिटेलिंग्स करते हैं, स्टैट प्रो में डिजाइनिंग करते हैं और ऑटोकैड में प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है स्टील में एंट्री करने का, ठीक है। कुछ समय के बाद अभी धीरे धीरे मार्केट में एक सॉफ्टवेयर और आ रहा है, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर, ठीक है, जो कि स्टैट प्रो का ही भाई है, बट उसके पिता दूसरे हैं, उसके पिता ट्रिम्बल हैं, स्टैट प्रो के पिता बेंटली हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या सीखना चाहिए? ऑटोकैड, स्टैट प्रो और टेक्ला, अगर ये सीख लिए तो तुम आराम से एंट्री कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ठीक और है सर। टाइम मिले तो टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर भी सोच सकते हो एडवांस वर्जन पे जाने के लिए। ये तो रहा थियोरेटिकल टॉपिक्स, ठीक है। अभी मैं एक कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, तो आज मैंने अपने गुरुकुल वाले बच्चों को दिया भी, स्ट्रक्चर्स में। और स्ट्रक्चर्स में मतलब कि अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो कौन कौन से टॉपिक्स आप अगर प्रिपेयर कर लो कि आपका सिलेक्शन होना फिक्स हो जाए, तो मैं आप गुरुकुल वालों को दे रहा हूँ, तो अभी मैं तैयार करके आप लोगों को भी ग्रुप में दे दूंगा। तो वो स्टील स्ट्रक्चर्स का बना रहा हूँ, बीआईएम का आधा बना लिया आज दोपहर में काम कर रहा था बैठ के, तो वो भी शेयर कर दूंगा। और लास्ट है पीईबी, पीईबी में अगर इंडस्ट्री में आपको करियर बनाना है तो कौन कौन से टॉपिक्स का नॉलेज होना, ये तो सॉफ्टवेयर बता दिया, सॉफ्टवेयर पे जॉब नहीं लगेगी, याद रखना, सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, जॉब लगेगी किसके बेस ठीक पे, जो स्किल्स होंगी। तो मैं तुमको बता दूंगा, जैसे कि विंड है, विंड का नॉलेज होना चाहिए, वो भी डायनेमिक विंड लगता है पीवी में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सेस्मिक कहाँ पर लगता है, बेस प्लेट्स कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लगती हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन कौन कौन से लगते हैं, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो पूरा कोर्स बनाया हुआ है लगभग 45-50 घंटे का पीईबी का, तुम चाहे तो उससे देख सकते हो, अदरवाइज मैं टॉपिक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तुम उन पे उनको देख के अगर उनको टॉपिक्स तैयार करने भी सॉफ्टवेयर, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, हाँ बोलो, और सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, हाँ बताओ छोटा बताओ सा। ना, हाँ बताओ ना। हाँ सर, तो सर मेरा घर सर दार्जिलिंग के साइड में है, अच्छा तो सर सिक्किम या फिर सर गुवाहाटी में सर कोई सर वैकेंसी निकले आरसीसी का ही सर, तो बिल्कुल, पहले सर पहले दार्जिलिंग वाली चाय पिलाओ, ठीक है, फिर क्या ठीक है सर, जरूर बोलते सर आइएगा तो सर जरूर पिलाऊंगा सर। चलेगा, ठीक है। तो क्या बोलते सिक्किम के लिए क्या? सिक्किम या फिर सर आसाम के लिए, क्योंकि सर हाल ही में तो सर मैं कलकत्ता में हूँ सर अभी, हाँ ठीक तो है, सर मैं, घर में सर आना जाना सर बहुत सर दिक्कत आता है सर। हाँ मैं बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगा कि मैं ना लिख ले रहा हूँ जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम्स है इन पे मुझे रिसॉल्व करना है कैसे भी करके, क्योंकि मुझे इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके चलना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए 2-4-10 ओपनिंग जो भी ओपनिंग अवेलेबल होंगी यहाँ पर सिक्किम में, आसाम में, मैं जरूर शेयर करूंगा, ठीक है, चलेगा। और कुछ है जिनमें? ठीक है, ओके। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड? ओके ठीक है। शुभम का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इनका क्वेश्चन है कि सर व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर बीआईएम टू बी बीआईएम इंजीनियर? अगर तुम नोटबुक तुम्हारे पास हो तो बेटर रहेगा, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर सकता हूँ शुभम, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है बीआईएम में एंट्री करने के लिए, वो है क्या बोलते हैं,
रेबिट का नॉलेज, ठीक है, क्योंकि बीआईएम के हर स्टेप्स पे रेबिट की रिक्वायरमेंट होती है, खासतौर से एज अ सिविल इंजीनियर रेबिट आर्किटेक्चर रेबिट स्ट्रक्चर्स तो बेस्ट ही होना चाहिए विथ रेबिट फैमिली या रेबिट एस्टिमेशन, पहला प्रायोरिटी ये होता है, ठीक है। ये मॉड्यूलर की प्रोफाइल्स के लिए है, स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर या फिर क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर मॉडल, दोनों ही प्रोफाइल में आप जॉब कर सकते हो। दूसरी चीज़ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, डिटेलिंग्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टिकला रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। तो टिकला और टिकला के साथ आपको रेबिट आर्किटेक्चर, रेबिट स्ट्रक्चर्स और ऑटोकैड, ये तो फिक्स है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का नॉलेज हो गया। अब इसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज जो तुम ले सकते हो, ठीक है, अभी यहाँ पे देवयानिक है, ये देवयानिक हमारे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा है, काम भी कर रहे हैं। तो ये अभी जैसे इन लोग की कंपनी में क्या क्या काम होता है, स्कैन टू बीम का नॉलेज अगर आपके पास है तो आपके लिए बेटर रहेगा, डायनमो का नॉलेज है तो आपके लिए एडवांटेज मिलेगा कि डायनमो का भी आपको वर्क आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ठीक है, टॉपिक्स का तुम टेंशन मत लेना, मैं टॉपिक्स शेयर कर दूंगा, बीआईएम का भी शेयर कर दूंगा और स्ट्रक्चर्स का भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों का मैं बना लिया हूँ, ठीक है। अब रही बात की पीईबी का, मैं 2-3 दिन में शेयर कर दूंगा शुभम, तो देख सकते हो कि हमको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, बस उतनी टॉपिक्स अगर तुमने प्रिपेयर कर लिए मेरी गारंटी है इंटरव्यू फोड़ के आओगे, ठीक है। तो ये क्योंकि बीआईएम में अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर भी कई लोग हैं, उनको बताया कि उसी में से ही लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस पुट अप होंगे, ठीक है। कैन बी प्रोवाइड द सैंपल्स रिज्यूम, कैन यू, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मैं तो आपका भी काम कर दूंगा, ठीक है, आपको चाहिए क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो मैं और रिज्यूम मैं दे दूंगा आपको, और शुभम को चाहिए टॉपिक्स बीआईएम का, ठीक है, जो भी अपने आप दे रहे हो, ठीक है, 100% ये हमारी प्रॉमिस है कि लगभग मैं सबका प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलो अभी नेक्स्ट रोहित कुछ बोलना चाह रहे हैं, रोहित का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर नदीम, जैसे जैसे ऑन किया जिसने, रोहित अपना माइक ऑन कर लो, कुछ पूछना है क्या दोस्त? हेलो सर, नमस्ते सर। खुश रहो खुश रहो, बोलो। मैं पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का। पॉलिटेक्निक, ओके ग्रेट। सेकंड ईयर का हाँ, कहाँ से कर रहे हो? रामपुर से। सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, बीआई में पैकेज वाली जॉब कैसे लें? पैकेज वाली जॉब के लिए पहली रिक्वायरमेंट है बेस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, बेस्ट कम्युनिकेशन। बेस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं, या फिर आप 4 महीने, ठीक है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, ठीक है, मैं कंपलसरी नहीं करता बट आपको मन करे तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके 4 महीने फिक्स ट्रेनिंग ले लो, ठीक है, परफेक्ट बन जाओगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कम्युनिकेशन आप खुद कर लो और 4 महीने मुझे दे दो, मैं परफेक्ट बना दूंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि मैं 4 महीने में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो वो कंपनी पूछेगी और आपको नहीं आता रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, थैंक यू सर। चलेगा, सोच लो आराम से, पहले पहले डिप्लोमा पे फोकस कर लो, अगर वहां से फ्री हो जाते हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है, यस यस। चलेगा, ओके रोहित। क्या बोलते हैं, नदीम अपना माइक ऑन कर लेना, नदीम, ठीक है, शायद नदीम को भी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अमन उद्दा, सॉरी मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया नेम, ठीक है, नदीम का माइक ऑन हुआ है, ठीक है, हाँ नदीम बोलो, आवाज नहीं आ रही दोस्त तुम्हारी, ठीक है, चलो क्या बोलते हैं, तब तक मैं शर्मा जी का ले लेता हूँ, शर्मा बताओ, नितिन शर्मा को बताओ, कुछ बोलना है क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलो ना। सर मैं ये पूछ, मतलब एमपी में जैसे अच्छी कंपनी कैसे सर्च करूँ? मतलब एक तो यहाँ पे सैलरी भी कम है और एमपी में क्या जॉब्स भी कम ही रहता है, हाँ और सैलरी भी कम होती करेक्ट। तो है, तुम्हें तो फिर एक हाँ जी हाँ, बोलो बोलो बोलो, तुम पहले बोल लो, बोल दो पूरा केवल, कंपनी में सर कैसे जाए, मतलब पार्ट टाइम। ठीक है ठीक है। कंपनी देखो कैसे होता है, कई लोग सोचते हैं कि कंपनी जो होती है ना वो कैसे सैलरी डिसाइड करती है, पहले इसको समझना पड़ेगा। कंपनी सैलरी डिसाइड करती है उनके टर्नओवर के बेसिस पे, उनका टर्नओवर क्या है। तो अगर तुम्हारे वहाँ पर इंदौर में कोई ऐसी कंपनी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है, ठीक है, तुमने एक कंपनी का नाम सुना होगा दिल्ली बिल्डकॉन, ठीक है, दिल्ली बिल्डकॉन तो सुना ही होगा, जी सर, मामा मामा जी की कंपनी है तुम लोग के। तो वो कंपनी में अभी एक जॉब निकली थी पिछले ईयर में, उनका पैकेज पता है क्या था, 1.2 CR का, 1.2 CR स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल थी, ठीक है, इंटरनेट पर सर्च करना, ठीक है, काफ़ी ट्रेंडिंग हुआ था वो जॉब, स्ट्रक्चर इंजीनियर की ब्रो प्रोफाइल थी। नदीम थोड़ा सा रुक जाना,
ठीक है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल थी, तो वहां पर उनको 1.2 CR का वो ऑफर कर रहे थे। बट कैसे, ये ऐसी कंपनियां बहुत कम है। तो पहली चीज तो ये तुम कर सकते हो कि ये देखो कि हमारे यहाँ के आसपास कौन सी अच्छी कंपनियां हैं, या फिर क्या कुछ दिन के लिए मैं बाहर जाके काम कर सकता हूँ क्या। ठीक है, बाहर जाके अगर मैं काम कर जी सकता हूँ तो मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा, जैसे तुम पुणे हो गए। ठीक है, हमेशा याद रखो कि सिटी के बेसिस पे कंपनियां जो होती है, जैसे कि मान लो कि रिलायंस को अपना फॉर्म डालना है, तो वहां डालेगा जहां पर ग्रोथ उसको ज्यादा दिखेगा, है ना। तो जहां पर ग्रोथ ज्यादा दिखेगा वहीं पर वो पैकेज ज्यादा ऑफर करेगा। तो तुम ये देखो, क्या मुंबई जा सकता हूँ मैं, या फिर क्या मैं इंदौर की जगह पे मैं क्या पुणे में ट्राई कर सकता हूँ। इंदौर में भी दो तीन कंपनियां हैं, ठीक है, जहां पर थोड़े अच्छे पैकेज हैं, 25-30 के आसपास मिल जाते हैं, बट उनके नंबर्स कम है। ठीक है, मेरा ये सजेशन सर, पार्ट रहेगा, टाइम, बोलो बोलो। पार्ट टाइम, हाँ मतलब अगर जैसे पार्ट टाइम करना हो तो पार्ट टाइम कंपनी ऑफर नहीं करती है, खास तौर से फ्रेशर्स को ऑफर नहीं करती है शर्मा। ठीक है, फ्रेशर्स को पार्ट टाइम ऑफर करने पर ना उनको बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, अभी जैसे कि मेरे पास कुछ इंप्लॉयज हैं पार्ट टाइम है, बट बिलीव करो उनका प्रोडक्टिविटी हमको समझ में नहीं आता है। बट क्या है कि अब 4-5 हज़ार रुपये में है, तो मैं सोचता हूँ चलो पढ़े रहने दो, कुछ तो कर ही रहे हैं, समझ रहे हो। तो जी पार्ट जी टाइम में फ्रेशर्स को नहीं हायर किया जाता है, एक्सपीरियंस को पार्ट टाइम में लोग रखेंगे। तो मेरा ये कहना रहेगा कि तुम बाहर जाओ, ठीक है, और तुम्हारे से क्वेश्चंस, तुम्हारे क्वेश्चन से बहुत अच्छा दिमाग में आ रहा है, और ये इंपॉर्टेंट भी था डिस्कस करना, कि हमें ये भी प्लान करना है कि हम बाहर जाके एक्सपोजर लें, सीखें, फिर क्या हम उस चीज को इंटरप्रेन्योर माइंडसेट से अपने आसपास उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, मतलब हम भी कभी जॉब देने के लिए बन सकते हैं क्या। ठीक है, जी सर जैसे कि मैं खुद इलाहाबाद से हूँ, सबको पता है, बहुत छोटे से शहर से हूँ, तो इलाहाबाद से जब मैं पुणे में आया, बिलीव करो बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मेरे पास लगभग 4 लोग फुल टाइम कर रहे हैं, 4-5 लोग पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग ऐसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि मैं बड़े शहर में आया, तो मुझे एक्सपोजर ज़्यादा मिला, लर्निंग ज़्यादा मिली। तो प्लान कर सकते हो ऐसा कुछ तुम। ठीक है, अभी जैसे कि मोनिका है, अभी भोपाल से है, अब भोपाल में बहुत कम कंपनियां हैं, भोपाल में सबसे ज़्यादा कॉलेज ही है ना। सर, तो वो तो एमपी में है। हाँ, तो आप ऐसे जगहों पर सोल्यूशन ये है कि या तो वहां पर कंपनी आप खुद डेवलप करो, ये आपके लिए एडवांटेज होता है। पता है क्या एडवांटेज है, जैसे कि अभी हमारा खुद का भी प्लान चल रहा है कि अगर मैं इलाहाबाद में करता हूँ तो मेरे लिए एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, वहां पर कंपटीशन कम है, ठीक है, प्रोफेशनल लोगों की जी संख्या कम है। तो अगर मैं अपना खुद का वहां पर प्लान करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी ग्रो करूंगा। ठीक है, 2025 में मैंने प्लान किया है कि हम करेंगे। ठीक है, तो तुम ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो कि बाहर जाके लर्निंग लो, अर्निंग लो थोड़ी सी, और फिर उसको धीरे धीरे करके अपने शहर में स्टार्ट करने का प्लान कर लो। मतलब सर मिनिमम कितना टाइम मतलब बाहर जाना पड़ेगा, मतलब रुकना पड़ेगा एटलीस्ट जैसे। एटलीस्ट 2 साल तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में ना ऑपरेशन समझ में आता है कम से कम 2 साल में। ऑपरेशन में समझते हो, मार्केट से प्रोजेक्ट कैसे लेके आना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। ठीक है, आज के टाइम में पता है क्या, तुम जब कंपनी में जाओगे, तुम इनसे सबको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी जो कंपनीज होती है उसके उसको कैसे लोग पैसे कमाते पता है, वो कैसे करते हैं, वो देख, दो चीज़ से पैसे कमाते हैं। एक बंदा होता है जो टेक्निकली होता है, जो हम लोग होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, और एक बंदा जो होता है वो दूसरा टाइप बंदा होता है, उसका काम होता है काम को लाना। तो तुम लोगों ने सुना होगा सेल्स वाले लोग, ठीक है, और एक है टेक्निकल लोग। तो अगर जी सर नितिन को या फिर क्या बोलते हैं नदीम को या फिर सुरोहित किसी को भी दोनों काम अगर आ जाए ना, तो बिलीव करो आपका कोई टक्कर ही नहीं है। इसलिए जो कंपनियां होती है, जो थोड़ी सी अच्छी लेवल की कंपनियां, वो क्या करती हैं, हमेशा अपने मार्केटिंग टीम को अलग रखती हैं और टेक्निकल टीम को अलग रखती हैं। पता है क्यों, पता है ताकि वो क्यों, आपस में मिल फिर मिलके, उनका चालू है। ठीक है, जिसने भी ये गलती किया है, ठीक है, वो हमेशा फ्लॉप हो गया बिजनेस में, क्योंकि उसके बिजनेस का कॉपीराइट बनने में टाइम नहीं लगता है। सेल्स वाले को सारा सेल्स टेक्निक पता है, टेक्निकल वाले को सारा टेक्निकल टेक्निक पता है, कितना टाइम लगेगा, समझ गए। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि बाहर जाके सेल्स सीखो, ठीक है, टेक्निकल सीखो और एचआर सीखो, मतलब इंप्लॉय नहीं रहेंगे तो काम किससे कराओगे। ये तीन चीज सीख लिए ना, तीन चीजों को समझो कि मैं क्रैक कर पा रहा हूँ क्या, तीन चीजों का आपका बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस मैंने नहीं बनाया है, पर इतना जरूर बनाया है कि जितना लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है मिडिल क्लास में, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने एचआर को भी अच्छे से सीखा, थोड़ा सा सेल्स को सीखा, और थोड़ा सा टेक्निकल को ज़्यादा सीखा, और थोड़ा बहुत बिजनेस कर पाया। तो मैं तुमको यही सजेशन दूंगा कि बाहर जाके एटलीस्ट 2 साल लगाओ और ये तीन चीज़ों पर काम करो, बस तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। ठीक है, ओके ये थैंक यू तीन, सो मच। ठीक है, हाँ,
अभी कई लोग ऐसा होता है कि कई लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, हम में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, कमेंट करके बता भी सकते हो, टेक्निकली बहुत अच्छे होंगे बट उनको काम लेना नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे ना लाइक जोश जोश में कंपनी खोल तो लेते हैं बट उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंपनी खोलने के बाद अब वो प्रोजेक्ट नहीं ला पा रहे। और कई लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है जोश उसमें कंपनी तो खोल लेते हैं बट उनको काम करवा के अच्छे से सबमिट नहीं कर पा रहे। और इन दोनों का जिसने मिक्सअप सीख लिया, ठीक है, और मेरे फादर बोलते हैं कि अगर किसी भी बिजनेस को समझना है तो उस बिजनेस में जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहा है उसके पास कम से कम 2-2.5 साल लगाओ, ठीक है, मैंने भी ऐसी एक्सपीरियंस किया है, और उसके बाद तुम वापस आओगे ना तो बड़ा ही अच्छे तरीके से तुम उस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है। एक छोटा सा आपको मज़े की बात बता देता हूँ सभी को, मैं एक बार ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस कर रहा था, बस ऐसे दिमाग में आया कि करेंगे, कश्मीर से ड्राई फ्रूट्स लेके आया, साउथ से लेके आया ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। और जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे फादर ने मुझे मना किया, ठीक है, मैंने उनको ऐसे बताया कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो बचपना बोलते हैं जो भी बोलो, मैंने स्टार्ट किया उसको ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस को, और विद इन 2 to 3 months, ठीक है, मैं फ्लॉप हो गया, ठीक, फ्लॉप इन द सेंस मैं माइनस में चला गया। उसका मेन रीज़न बताता हूँ, मेन रीज़न ये था, मेरे फादर ने ये चीज़ बोला था कि अगर तुमको सच में स्टार्ट करना है तो किसी भी बनिया को अफेंड नहीं होगा जो भी यहाँ पर होगा क्योंकि उनको बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता है। उन्होंने बोला किसी भी बनिया के पास चले जाओ जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में, उनके पास जाके 2-3 महीने तुम जॉब कर लो अगर सच में तुमको ये करना है तो। वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को सीखो, क्लाइंट्स को सीखो कि क्लाइंट्स को चाहिए क्या होता है, उसके बाद तुम बिजनेस करने आना, तुम पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मुझे लगा यार क्या बोलते हैं, 1.5-2 लाख रुपए मैं उस समय अर्निंग कर रहा था, मैं 1.5-2 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ, मैं चलूँ 2-3 हज़ार रुपये की जॉब तो नहीं करूँगा। और मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया जोश जोश में, बिलीव करो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए मैं माइनस में चला गया, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद एक दो और बिजनेस मैंने किए वो भी फ्लॉप हो गए थे। उसका मेन रीज़न ये था कि उस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, ठीक है, अगर टेक्निकली मान लो उसमें कुछ नहीं था तो सेल्स नहीं आता था, जिसमें टेक्निकली कुछ था उसमें मुझे सेल्स आता था बट टेक्निकली नहीं आता था। जैसे कि एक बार मैंने ऑर्गेनिक मिल्क का बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें भी मैं फ्लॉप हो गया। उसका मेन रीज़न क्या था, टेक्निकली मैं सेल्स तो जान रहा था कैसे करना है बट कभी हमने उस तरह का खेती किया नहीं, उस तरीके की चीज़ें कि दूध कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे दूध को प्रिजर्व कर सकते हैं, सब मुझे पता नहीं था, टेक्निकली फ्लॉप हो गया। तो मतलब कुल मिला के आपको अपना बिजनेस करने के लिए 3 चीज़ों पे मेरा अभी तक नॉलेज यही रहा है, एक एचआर हैंडल करना मतलब मैन पावर को कैसे ले आना है, अच्छे मैन पावर को ये सीख लो, दूसरा सेल्स सीख लो, तीसरा अच्छे तरीके से टेक्निकली वर्क सीख लो, कोई भी किसी को तुमने एम्प्लॉय रखा हो तुमको बेवकूफ़ बना के ना चला जाए इसके लिए काम सीख लो, कभी भी बिजनेस फ्लॉप ही नहीं हुआ। और मेरा ये मानना है कि 2-4 करोड़ रुपए तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया इस काम को लेके, ठीक है। चलो, इन्होंने बोला है, ये टॉपिक हमारा आज का नहीं था बट अच्छा हुआ शर्मा जी ने बोला तो दिमाग में आया। चलो नदीम बोलो अपना क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताना, अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। नदीम, हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलो नदीम। सर मेरा जो क्वेश्चन है ये गुड्स के रिलेटेड है, हाँ बोलो ना, ये हाँ बोलो ना। बीम के लिए एलिजिबिलिटी ये बीटेक रहना जरूरी है या ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं अपन, ग्रेजुएशन से भी? बीटेक तुमने क्या किया हुआ है एक्चुअली में? ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर, मेरा BSc है। BSc है? जी सर। देखो, बड़ी कंपनियां तुमको हायर नहीं करेंगी नदीम, ओके जी छोटी कंपनियां हायर करेंगी, ठीक है। देखो तुमको पता है मैं बहुत ऑनेस्ट बोलता हूँ, तो क्या बोलते हैं, मैं तुमको ऐसे बोल दूँ कि बड़ी कंपनियां हायर कर ली बट ये झूठ होगा, क्योंकि बड़ी कंपनियों की क्वालिफिकेशन होती है, उनको लगता है कि कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए। एक काम कर सकते हो तुम क्या करो, कहीं पर भी आसपास में डिप्लोमा डाल दो, ठीक है, और अभी तो सीजन आ रहा है ना डिप्लोमा स्टार्ट होने का, ठीक है, डिप्लोमा डाल दो और अपना ये टेक्निकली स्ट्रांग कर लो। स्ट्रांग करने के बाद तुम बहुत अच्छे से साइड बाई साइड, डिप्लोमा में कुछ हार्ड काम नहीं होता है, बहुत सिंपल पेपर होता है, हिंदी में भी वो पेपर हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, डिप्लोमा उधर स्ट्रांग होता रहेगा, इधर तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, ऐसा तुम करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, बट एटलीस्ट डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी कई ढेर सारे बच्चे हैं। एक लड़का तो है नीलसोट में, क्या बोलते हैं, मैनेजर है, डिप्लोमा होल्डर ही है, ठीक है, लेकिन डिप्लोमा लगता है कम से कम बड़ी कंपनी में, जी सर। ठीक है। सर और एक क्वेश्चन है मेरा कि बिम में सर जो भी स्ट्रक्चर और दूसरी कैलकुलेशन होगी वो बिम मॉडलर करेंगे सर कहीं या कोई एचआर होगा? किस तरह की कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, मतलब कौन सा कंक्लूजन?
स्ट्रक्चर वगैरह के लिए कैलकुलेशन लगेंगी सर? नहीं, स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंसी अलग होती है, स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंसी का काम अलग होता है, ठीक है। और आई थिंक उसमें तुमको घुसना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारा अभी डिप्लोमा भी नहीं हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंसी के लिए मिनिमम बीटेक रिक्वायरमेंट होती है, बीटेक बी होना चाहिए। और जैसे कि जो बीम, एक होता है बीम कंसल्टेंसी, ठीक है, तो बीम कंसल्टेंसी अलग है और उसी का एक पार्ट है जो कि स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंसी के रूप में होता है। तो जब हम प्लानिंग कर लेंगे, मॉडलिंग कर लेंगे, तो उसे स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंसी में भेजना पड़ता है, उनको एनओसी वगैरह देना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो प्रॉपर परफेक्ट करके तब तुमको कंप्लीट शेयर करते हैं कि भाई ये हमारा काम हो गया, फिर तुम आगे का सारा प्रोसेस करते हो। तो स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंसी अलग है, हाँ स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स तुम्हारे डिपार्टमेंट में आएगा। अब ये क्लासेस में सब सिखाया जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो बीआईएम से रिलेटेड हो और आपको ना आता हो, ये हमारा पूरा प्रयास हमेशा रहता है और अभी भी रहेगा, ठीक है। सर ये कितना एलओडी में हो गया सर अपना? ठीक है, एलओडी देखो कैसे होता है कि इंडिया में मैक्सिमम लोग 400 एलओडीज तक काम करते हैं, तो जनरली हम लोग भी 400 एलओडीज के आसपास तक काम करेंगे, ठीक है। 500 लोग बोलते हैं बट 500 कोई करता नहीं है, 500 का मतलब ही लोगों को नहीं पता होता है, बहुत डिटेल होता है 500, ठीक है, तो 400 तक लोग करते हैं, ठीक है। सर ये जब अपने क्लासेस चालू होंगे तो मॉर्निंग क्लासेस होंगे क्या सर, मॉर्निंग, 7:30 से? ठीक है, मॉर्निंग का एक बेनिफिट है, ठीक है। मुझे रात को एक टेंशन हो जाती है कि कैसे है, अब मैं आज मेरा क्लास नहीं था तो मैं रात को 3 बजे तक काम, 4 बजे तक काम करता रह गया, और फिर उसके बाद उठता, और सुबह कितने बजे उठा, 9 बजे। तो मॉर्निंग में क्लास रखने का एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इधर टेंशन हो जाती है, 12 बजे तक आदमी सो जाता है और सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठना ही पड़ेगा, वो एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, पूरा दिन अच्छा रहता है, ठीक है। सर 7:30 से 12 o'clock आएंगे सर? नहीं नहीं 7:30 से नहीं, इसके उतना सफिशियंट है, उसे अपना दिमाग में स्टोर, बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगे क्या सर? नहीं, प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, हम चेक करेंगे तुम्हारे प्रैक्टिस को, ठीक है। ओके सर, इसका इसका कल मीटिंग है अलग से सेपरेट, ठीक है, उसका ग्रुप है, मैं शेयर कर दूंगा, ज्वाइन करना होगा कल लेना, कल केवल इसी पर डिस्कस करेंगे। आज एक्चुअली मैं गुरुकुल के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं आया था, बट ठीक है तुमने पूछा, अच्छी बात है, हम यहाँ पे जस्ट डिस्कस करने आए थे, किसी को कोई प्रॉब्लम है हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, चलो दिव्यानी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ दिव्यानी, हेलो, हाँ कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, तुम आ गए क्या ऑफिस से? नहीं सर, मैं तो ऑफिस से बस निकला हुआ था, आज थोड़ा वीकेंड का तो मतलब थोड़ा काम है आज, थोड़ा बहुत तो वो टपरी, निपटा के भी जा रहा हूँ। टपरी पे तुम घूम रहे होगे? हाँ नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सर, मैं ऑफिस से बाहर ही हूँ, मतलब खत्म ही हो गया सर, वही सर, अभी सर अच्छा, मेरा तो वही चल रहा है, अभी सर सोच रहा था कि स्विच करूंगा ऑफिस, तो अब तुम अच्छा कोई आप कंपनी स्विच कर चाहिए। दो, आप स्विच कर दो नील सॉफ्ट वगैरह में, अगर तुमको चाहिए तो बोलो, नहीं तो ना वी कंस्ट्रक्ट के लिए ट्राई करो। वी कंस्ट्रक्ट में क्या है, मेरा वो फर्स्ट टारगेट तो वी कंस्ट्रक्ट ही है, क्योंकि सर मैंने उनके प्रोफाइल चेक किया था, बहुत सही लगा था मुझे उनका। मैं वी कंस्ट्रक्ट के लिए देखता हूँ, तुम्हें रिफरेंस दे देता हूँ वी कंस्ट्रक्ट का, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वी कंस्ट्रक्ट में क्या है, 4.8 का पैकेज से स्टार्टिंग है, ठीक है। अपने वहाँ पर कई लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम तो बीआईएमएल बैच में भी कई लोग थे, तो वी कंस्ट्रक्ट ही टारगेट करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बराबर पैकेज मैंने नहीं देखा, क्योंकि 5.2 भी एक लड़के का पैकेज है, 5.6 भी पैकेज है, तो मतलब अच्छा पैकेज दे रहे हैं वो लोग। तो बेसिकली उनका मतलब नीश प्रोफाइल किस किस में होता है, उनका लाइक मैं तो भी, सबसे ज्यादा जो उनका काम है वो रेविट पर है, ठीक है, हाँ हाँ स्केचअप पे स्कैन टू है, बीम में है उनका हाँ काम, स्कैन स्कैन टू टू बीम बीम में लगभग उनका 60% काम है, ठीक ये है। फिर तो सर वो मेरे लिए ही बता है सर। तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट प्रोफाइल है, मैं एक दिन उनको बोलने वाला था, टाइम ही नहीं लगता है, इसीलिए तो अभी सोचा कि इस तरीके से कुछ करेंगे जिससे सबका ही हेल्प हो सके, ठीक है। तो तुम बी कंस्ट्रक्ट क्लिक करो, मैं ना हाँ उनके सर एचआर का तुमको ईमेल आईडी पता करके तुमको देता हूँ, डायरेक्ट कर देना। एक्चुअली ठीक पहले एक नदमा करके थी, वो अभी है चली सर, गई है, दूसरे कोई एचआर है, मैं तुमको एचआर का ईमेल मैं आईडी क्या देता सोच हूँ। रहा था ना कि मैं मेरा तो अभी सर मतलब 9वां महीना चल रहा है, तो मैं क्या 9वां महीने को ऐसे यूज मत बोलो, लोग गलत समझेंगे। मतलब मैं क्या सर 1 साल के बाद स्विच करो या अभी थोड़ा बहुत मतलब एक महीने और बता लो, नहीं तो कंपनी में जाओगे तो लोग पहले हंसेंगे, वही ठीक तो सर है। वही तो, क्योंकि वो थोड़ा मतलब कि मेरे ऊपर डाउट करेंगे कि ये इंस्टेंट क्यों आ गया वहां से एकदम से। नहीं, उनको 10 महीना बोलोगे थोड़ा जेन्युइन लगेगा, ठीक है, तो हाँ सर वही एक वही, महीना और कर लो, ठीक है। इसके एक साथ तो सर मेरा अभी डायनेमो का चल रहा है मेरे उसके साथ, तो और बहुत उसके अच्छा साथ है, अपन मैक्रो स्टेशन चल रहा है, डिस्ट्रैक्ट किया हूँ। चलेगा, एक महीना और कर लो। मैं ना तुमको वी कंस्ट्रक्ट का रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है वी कंस्ट्रक्ट में हो जाएगा, ठीक ठीक है, इतना तो अपना पहचान है कि काम हो ही जाएगा, ठीक है। वी कंस्ट्रक्ट के लिए मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है।
हाँ सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, चलो ठीक है, चलो अब कभी फ्री रहना तो बोलना, ठीक है, मिलेंगे, टाइम ही नहीं लग ठीक है पाता सर, है, ठीक ठीक है, अभी मैं वागोली की साइड आऊंगा तो फिर तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है। है सर। कल ही मिलते हैं ना, कल तो मैं थोड़ा फ्री हूँ, आप फ्री हो गए कल? कल का अभी कल ही बता पाऊंगा, ठीक है, और क्या बोलते कल हैं सर हम, आप सुबह शाम मेरे को जिस टाइम बोला मैं कल पूरा ही फ्री हूँ, मैं सो ही रहूंगा मैं पूरा तुम 11 बजे तो दिन सो के बस। उठते हो नहीं 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 सर, ऐसा नहीं सर, चेंज हो गया सर, अभी चलो सुबह ठीक, 7-8 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ, ठीक है, कल मैं बताता हूँ तुम, ठीक है मैसेज सर, करूँगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, हाँ, अमन उल्ला, अपना माइक ऑन कर लेना दोस्त, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाँ हाँ ब्रदर, बोलो ना, हाँ सर, मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, ये दो हाँ, दिन पहले वाइवा कंप्लीट हो गया था, अरे वाह, हो गया, एमटेक हो गया सर स्ट्रक्चर में, क्या बात है, बधाई। तो तो थैंक यू सर। प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट मेरा था पुशओवर एनालिसिस, वाह क्या बात है। अरे आप पोस्ट एनालिसिस याद है मुझे, एक लड़के को पीपीटी भेजना था पोस्ट एनालिसिस का, अपना वो जो रिसर्च वाला बनाया होगा ना मुझे डीएम कर देना। हाँ कर दूंगा सर, एक बच्चे को मैंने टॉपिक दिया हुआ है पढ़ने के लिए पोस्ट एनालिसिस, तो उसको हेल्प हो जाएगी। ठीक है ओके ओके हाँ, समझ बोलो ना गया, क्वेश्चन, बोलो हाँ अपना। तो वही स्ट्रक्चर हो गया सर, अब कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ मैं करेक्ट स्ट्रक्चर बेसिस पे, करेक्ट प्रिपरेशन तो मैं स्टार्ट कर दिया था 2-3 महीने पहले से, मतलब मैनुअल, एक तरफ से हाँ मैनुअल लेके, हाँ मतलब फर्स्ट जो है कि आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, वो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पढ़ा, हाँ उसके बाद आरसीसी स्टार्ट किया धीरे धीरे, उसके बाद फिर आरसीसी कंप्लीट हुआ, जी करेक्ट प्लस फाइव लेके करेक्ट उसको कर रहा था सर, करेक्ट उसके बाद जो है कि एक आपका विंड लोड, उसके बाद फिर ये स्टैटिक एनालिसिस किया, करेक्ट अभी सर और जो है कि 2-3 टॉपिक जो एक्स्ट्रा आरसीसी का है, जैसे फ्लैट स्लैब, रिटेनिंग वॉल्स है, उसके बाद पाइल फाउंडेशन का, वो भी देख रहा हूँ सर, तो करेक्ट ये तो पढ़ाई का हो गया सर, अपना पढ़ ली है, लेकिन जो है कि किस तरह इंटरव्यू में क्वेश्चन आगे वाले पूछेंगे, क्या प्रैक्टिकली तौर पूछेंगे, तो ये मैं तो आप एक पर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर, मतलब हो गया कंप्लीट, ठीक है, देखो ये भले एक दिन का तो प्रोसेस नहीं है, ठीक है, और इसमें पहले तुम बताओ कि तुमने तुम्हारे स्किल्स तुमने क्या क्या सीखा हुआ है। सर मेरा देखिए सॉफ्टवेयर में जो है कि मेरे को ऑटो कैड आता है, हाँ स्टाइल को आता है, ई टैप्स आता है, रिविट हाँ आता है, उसके बाद आरसीडीसी आता है, ई टैप्स में उसके तुमको ये बताओ मुझे, मास सोर्स का यूज क्या होता है? मास सोर्स मतलब बिल्डिंग का कितना मास जो है कि स्ट्रक्चरल मेनली जो है कि लेटरल लोड्स में यूज कर रहे हैं, मतलब डेड लोड फुल यूज करते हैं सर, और लाइव लोड जो है कि 25%, ऐसा जब क्यों अगर करते लाइव हैं, लोड क्यों करते हैं ऐसा? साइज़मिक वेट कैलकुलेशन के लिए सर, नहीं, क्यों ऐसा करते हैं सेज़मिक वेट कैलकुलेशन के लिए 25% क्यों करते हैं? सर लाइव लोड अगर 3 किलो न्यूटन से कम रहा तो 25% करते हैं ऐसा सर, नहीं तो क्यों फिर करते हैं, क्यों करते हैं? सर, क्योंकि स्ट्रक्चर में साइज़मिक वेट का ये लोड रहता है ना सर, हाँ तो जैसे कैलकुलेशन में हम लोग का वीबी जो निकालते हैं सर, बेस शियर, हाँ हाँ तो उसमें यूज होता है ना सर साइज़मिक वेट, करेक्ट तो यूज होता है। फॉर्मूला फॉर्मूला में पुट करने के लिए यूज करते नहीं वो तो समझ गया मैं, इसको फैक्टर क्यों करते हैं, 0.25 क्यों करते हैं, ये मेरे आंसर है क्वेश्चन है। मतलब लाइव लोड का 25% लेते हैं सर हम, वही क्यों लेते हैं, तुम मास्टर्स किए हो ना, यस सर, क्यों किए हो, क्यों लेते हैं, ये रीजन तुम्हें पता होना चाहिए। वो तो नहीं देखा सर, हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि तुमने किया हुआ है, ठीक है, और अभी उतना डीपर नहीं गए हो, ठीक है, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछ पाऊंगा इधर, ठीक है, और लेकिन ये जरूर मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि मास्टर्स हो तो एक मैं टॉपिक्स का लिस्ट भेजूंगा, आज मैंने किसी ने मुझे मांगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, देख लेना, अगर वो टॉपिक्स तुमको अच्छे से प्रिपेयर होंगे तो देख लेना, ठीक है, आंसर ये स्टेशन पे है, ठीक है, तो मैं टॉपिक्स की लिस्ट भेजूंगा, एक बार देख लेना, ठीक है, तुम प्रिपेयर कर लेना, एक बार तुम मुझे कल कॉल कर लेना 9 बजे के आसपास, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है, तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि तुम और क्या कर, पहले वो देख लेना कि मेरे को क्या क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर तुम मुझे बताना। हाँ सर, वैसे एक इंटरव्यू अगर ले लेते आपको क्या क्या है, नॉलेज है नहीं है अंदर, इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक इंटरव्यू लेने के लिए क्या बोलते हैं, अभी हमने वो बहुत अच्छा से स्टार्ट किया है वो सिविल इंजीनियरिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ठीक है, है तो सर उसमें मैं, हाँ उसी में, तो उसी में आ जाओ, और कल क्या बोलते हैं उसमें हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मंडे को आ जाओ, 1 घंटे का मॉक ले लो, उसे बोल दो सर हमारे पर 25 मिनट का ले लीजिए, मैं फ्री रहता हूँ उसके अंदर, तो ओके ना सर, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा, एक स्ट्रक्चर का इंटरव्यू हो जाएगा जो तुम्हारा, तो तुम्हें अपना लेवल पता चल जाएगा,
मैं जैसा टॉपिक भेजूंगा, मैं प्रिपेयर करके बोल देता हूँ, कब रेडी हूँ परफेक्ट, मैं, बिल्कुल उसके हिसाब से ईमेल सर, है चलेगा, ना? डन 100%। ठीक है, ओके सर। चलेगा। अब जीत अपना माइक ऑन कर लेना। ठीक, अब देखो हेलो सर। इनके क्वेश्चन से आप लोग भी सीखो कि देखो हम किसी भी इंटरव्यू ले जा रहे हैं तो पहले क्या हम प्रिपेयर हैं क्या। बड़ी अच्छी चीज इनकी क्या लगी कि आप टॉपिक भेज दो, पढ़ना क्या पड़ेगा, फिर हम प्रिपेयर होके तैयार हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोला। हाँ आप जीत बोलो। हाँ सर, पिछले 5-6 महीने से अभी तो जॉब नहीं है मेरा। हाँ तो मैं अभी अप्लाई करूँ कि पूरा रेविड का जो चैप्टर है वो खत्म हाँ होने तक इंतजार करूँ? नहीं, अप्लाई करो। ठीक है, और उसमें अप्लाई अप्लाई में करूँ, भी रेवी स्ट्रक्चर्स एंट्री करो, रेवी स्ट्रक्चर्स को रीजन क्या एंट्री होता करो। है। हाँ हाँ, ओके। क्योंकि रीजन क्या होता है कि जैसे आज तुमने अप्लाई किया ना, तो जो बड़ी कंपनीज होती है उनके प्रोसेस होते हैं 1-1 महीने के। ठीक है, तो अगर अभी से अप्लाई करोगे तो 1 महीना तो लग जाएगा तुम्हारा सीवी शॉर्टलिस्ट होके आगे का प्रोसेस होने में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा, तब तक तुम्हें 5-6 रिजेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, और ये रिजेक्शन बहुत जरूरी है। 5-6 जब रिजेक्शन होंगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा मैं गलत कहाँ पर हूँ, उसको इम्प्रूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो सर, सर मुझे पहले पुणे में ही चाहिए वैसे, पर मैं हाँ औरंगाबाद के जो भी है निकल रहे हैं उनके उन्हें भी अप्लाई करूँ क्या? औरंगाबाद में सेल्बियो कंपनी है। ठीक है, अगर उसमें हो रहा है तो देख लो, क्योंकि उसका एक ब्रांच पुणे में है, एक ब्रांच वहां पर है। कौन सी कंपनी सर? सेनबियो, SANVO, हाँ सेनबियो। ओके, ओके ओके एमएनसी सर, है, सर्च करता एमएनसी हूँ। है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे तो मतलब कि बीआईएम की तो लगभग बीआईएम और स्ट्रक्चर्स की सारी कंपनियां ही पता है लगभग। ठीक है, तो सेनबियो से, सर सेनबियो है, अच्छी कंपनी है, उसमें अप्लाई कर दो। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन भी था। बोलो। वैसे जो एनस्केप जो है, हाँ एनस्केप जब मैं यूज करने जा रहा हूँ वो बता रहा है कि योर ग्राफिक कार्ड ड्राइवर इज टू ओल्ड फॉर एनस्केप। हाँ इंस्केप के लिए तुम्हारा ग्राफिक्स का कौन सा है? सर क्या 4 GB का है वो? नहीं, 4 GB से मैटर नहीं करता है, AMD का है या फिर एनवीडिया का है। एनवीडिया और का है। एनवीडिया का है, एनवीडिया का मुझे लगता है वो लोअर वाला वर्जन है, वो मुश्किल है हाँ कि उस पर चलेगा। ठीक, ऐसे हमारे साथ सर, हुआ था कि हमारा भी इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड था, नहीं चला उसमें। सर ये जरूरी है क्या मतलब इनके यूज नहीं, करना? इसके जगह पे वीरे कर लो। ठीक है, वीरे का मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तुम्हारे ग्रुप ओके वाले सर, में। ठीक ठीक है, वीरे कर लो, अच्छा है है, सर, ठीक, ठीक तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, चलो, थैंक यू। ओके ठीक है। अमित अपना माइक ऑन कर लेना। अमित चावन, अमित आवाज आ रही है? ठीक है, मैं भी क्या बोल रही। ठीक है, अभी अब्दुल आप अपना माइक ऑन कर लेना, अब्दुल रहमान। हाँ हेलो सर। हाँ अब्दुल बोलो ना। सर ये BIM के एंट्री लेवल के सर हैदराबाद के ओपनिंग्स नए निकाल रहे हैं आपको मतलब यूट्यूब पे जो जॉब गाइड्स? अच्छा, हैदराबाद के लिए क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं हैदराबाद के लिए मैंने सर्च नहीं किया एक्चुअली, सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कमेंट उधर के दिखे थे। बट अभी तुमने, तुम्हारा मैं पक्का है कि कल के कल ही तुम्हें हैदराबाद का भी बताता हूँ। हैदराबाद में है ओपनिंग्स, BIM की कई कंपनियाँ हैं। अभी पीछे तो एक मेरा इंटरव्यू भी देखे होगे, एक पॉडकास्ट था मोनिका करके लड़की थी, उसी की कंपनी में BIM की ओपनिंग्स थी, है BIM का, मैं कल बताता हूँ तुमको, पक्का है। सर ठीक कुछ रेफरेंस भी है तो बताइए। है, बिल्कुल ठीक है। रिफरेंस अभी तत्काल में तो नहीं है, बट आया तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने ग्रुप्स क्रिएट किए जिससे कि बड़ा आसानी से काम हो सके, बट जॉब में कल जरूर बता दूंगा तुमको। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके मित्रा आप बताइएगा, सॉरी अप्रदीप। यस सर। हाँ बता, बोलो ना। सर मेरा कुछ क्वेश्चन सर हाँ टेक्निकली, बोलो बोलो। ये जो जो स्टैट प्रो में हम प्राइमरी बीम के ऊपर सेकेंडरी बीम जब देते हैं, वहां पर मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है मोमेंट रिलीज कर देते हैं, तो आरसीसी में जैसे प्रैक्टिकली कि मोमेंट रिलीज पॉसिबल है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट क्या होता है ना कि तुमने देखा होगा कि जब हम सेकेंडरी बीम लगाते हैं तो स्टैट प्रो को क्या हम कभी बताते हैं कि सेकेंडरी बीम है? नहीं बताते ना। नहीं सर, ठीक है, नहीं। तो प्रैक्टिकली हमको जस्ट स्टैट प्रो, ये रिलीज करने का मतलब क्या है, रिलीज करने का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, स्टैट प्रो को लगता है ये भी बीम ही है। ठीक है, तो स्टैट प्रो को उसके लैंग्वेज में समझाने के लिए उसको हमको रिलीज करना पड़ता है, कि उसको रिलीज कर दिया, उसको समझ में आ गया कि सेकेंडरी बीम है इसलिए रिलीज किया हुआ है, तो उसको ऑन साइड से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मोमेंट को रिलीज करने के लिए और स्टैट प्रो को बताने के लिए कि सेकेंडरी बीम है, इसको सेकेंडरी बीम की तरह कंसीडर करो, उसके लिए क्यों रिलीज किया जाता है मेंबर्स को, समझे कि नहीं? लेकिन सर अगर, हाँ हाँ समझ बोलो गया बोलो अपना आपका बोलो बात, बोलो। लेकिन जो जॉइंट में मोमेंट रिलीज करते हैं इसका मतलब पिन जॉइंट हो जाता है, तो वो
नॉर्मली फिक्स जॉइंट पे मैक्सिमम मोमेंट आता है, लेकिन अगर पिन बना दू तो मिडिल में मैक्सिमम मोमेंट आ जाएगा, इससे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर वहां पर फिक्स सपोर्ट की तरह एज्यूम करोगे तो जो प्राइमरी सेकेंडरी बीम है उसमें तो दिक्कत नहीं होगी, जो प्राइमरी बीम है उस पर मोमेंट बढ़ जाएगा, और जब उस पर मोमेंट बढ़ जाएगा तो फिर उस पर स्टील का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो तुम प्रोवाइड करो। सीधी सीधी बात है कि पीछे वाले कमरे में तुमने क्या बोलते हैं बॉटम में 12 mm के 4 बार डाले थे या 2 बार डाले थे, आगे वाले में तुम 25 mm का थोड़ी डालोगे, कट इट। तो उसका रेनफोर्समेंट का एवरेज मिल जाए इसके लिए हमको रिलीज करना पड़ेगा, और स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि हम सेकेंडरी बीम का बोझा प्राइमरी बीम पर क्यों डालें, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसका। ओके सर, थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन था कि आपसे हेल्प ही चाहिए था, हाँ कलकत्ता में अगर कोई स्ट्रक्चरल जॉब निकले जहाँ पर जाके मैं काम थोड़ा सा सीख सकूँ कोलकाता में, क्या ठीक है? मैं डेफिनेटली पूरा प्रयास करूँगा कि कोलकाता में तुम्हें जो मेरे तरफ से हो सके मैं दूंगा, जरूर फिक्स करूँगा, मैंने तुम्हारा ये लिखा हुआ है और कल ही मैं कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू, चलेगा, ठीक है। मैं इसीलिए इधर ऐसा लाइव कर रहा हूँ जिससे कि हमें ना तुरंत ही सबका पता चल जाए, तो उसके बेसिस पे काम करने में भी मजा आएगा कि हमें एक्चुअली नीड क्या है, ठीक है? मैं कुछ और गा रहा हूँ, आपको सुनना कुछ और है, तो मज़ा नहीं आया ना, फिर वही सुने जो एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, कृपा निधि अपना माइक ऑन कर लेना दोस्त, देवा आप ऑन कर लेना, तब तक अभी शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। देवा हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी बोलो ना सर। मैं डिप्लोमा सर 2021 का पास आउट डिप्लोमा है सर। हाँ, एक ईयर ड्रॉप करके अभी करंट में हम बीटेक ज्वाइन किए हैं एमपी से लेटरल एंट्री के थ्रू। करेक्ट, मेरा फाइनेंशियल थोड़ा वीक है। हाँ, इसके कारण से हम अभी करंट में तो बीम पे फोकस नहीं कर सकते हैं, बट आपसे हम इंस्टा पे भी क्वेश्चन किए थे, आपने कहा था बीम पे फोकस करने के लिए, तो 3 साल तो सर अभी बीटेक में लगेगा हमको। हाँ, तो हम मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम पढ़ने के साथ साथ कोई जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, मतलब वो एक्सपीरियंस उसमें शो कर सकते हैं क्या कहीं भी जाएंगे तो, क्योंकि अभी पढ़ भी रहे हैं और साथ में वह जॉब भी करेंगे तो। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं शो कर सकते हो, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस तुम शो करते हो तो सीधी सी बात है कि तुम जॉब पे पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे थे, तुम पैसे कमाने पे फोकस कर रहे थे, तो कंपनीज वो पसंद नहीं करती हैं। तो एक्सपीरियंस तो नहीं तुम्हारा काउंट होगा, बट नॉलेज जरूर काउंट होगा। जब तुम प्रोजेक्ट्स करोगे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करोगे तो तुम्हारा उससे नॉलेज जरूर काउंट होगा, ठीक है? इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि क्या बोलते हैं, कुछ लोकल लोगों से अपने प्रोजेक्ट्स ले सकते हो और प्रोजेक्ट लेके आप लोकली कर सकते हो, तो फिर आपको हेल्प हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? और एक्सपीरियंस पे नहीं काउंट होगा ये दोस्त। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे अभी हम मान ये एक ईयर, मतलब एक ईयर हमको कम से कम लगेगा मिनिमम, करेक्ट? तो हम बीम पे फोकस करेंगे। हाँ, तो आपका गुरुकुल बैच हम जान रहे हैं बहुत पहले से, आपको सर फॉलो भी कर रहे हैं, करेक्ट? तो गुरुकुल हम ज्वाइन करके उसको करने वाले हैं अभी, तो मेरा कहने का मतलब एक अभी नहीं, लेकिन सर बीटेक करने के पहले ही करेंगे सर। हाँ, जब बीटेक का फाइनल ईयर रहे उस समय पे करो, अभी करोगे तो पता क्या होगा, तुम सारी चीज़ों को लगभग भूल जाओगे, ठीक है? और इंटरव्यू मेन गुरुकुल का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, ठीक है? और अगर तुमने अभी किया तो तुम्हारा लॉस होगा। लॉस क्यों होगा, क्योंकि ये सीधी सीधी बात है कि इंटरव्यू तक जाते जाते 3 साल लगेगा, अभी तुम जैसे तुम बता रहे हो सब भूला रहेगा तुमको। इसके जगह तुम एक काम कर सकते हो, पता है क्या कर सकते हो, वीडियो कोर्स लेके धीरे धीरे प्रैक्टिस अभी से पार्ट टाइम में स्टार्ट कर दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर प्रॉब्लम ये है सर, मेरे पास सिस्टम नहीं है अभी करंट में। नहीं, तब तो वो भी मत लो, क्योंकि कोई सेंस नहीं है। अगर तुमने क्या BIM में करियर बनाना है तो पहला कि तुम्हें पैसे अरेंज करके लैपटॉप चाहे सेकंड हैंड लो, पहला काम लैपटॉप होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, बैट नहीं है तो हम क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकते, सीधी सीधी बात है ना, तो पहले तुम उसी का व्यवस्था। इसलिए सर अभी तक बाय नहीं किया आपसे, हम बहुत पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ, मैंने मना भी किया, इसलिए अभी तक बाय नहीं किया। मैं मना करता हूँ, अगर नहीं, आपको ये नहीं बताए थे कि मेरे पास सिस्टम नहीं है। हाँ, ऑलरेडी सर मेरा ऑटो कैड का ट्रेनिंग किया हुआ है, हम ऑटो कैड पे वर्क भी किए हैं, रेबिट किए थे ऑनलाइन, बट उसका प्रैक्टिस मेरे पास नहीं है, तो सारा चीज भूल चुके हैं, हमको फिर से वो देखना पड़ेगा। रेबिट सीखने भी मत जाना कहीं पर, ऑफलाइन भी मत जाना, बताओ क्यों? क्योंकि अगर तुम रेबिट को चलाओगे नहीं एक हफ्ते ना, तो आधे से ज्यादा चीजें भूल जाती है, ठीक है? सर उस टाइम में मेरे पास सिस्टम था। अच्छा, सर सिस्टम था, हम प्रैक्टिस लेकिन नहीं किए। हम बैंगलोर में सर साइट इंजीनियर का जॉब पकड़े थे, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था इसके लिए, करेक्ट? और जॉब पकड़े थे, बट वहाँ पे हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, डेंगू हो गया था हमको, करेक्ट? वो भी छोड़ना पड़ा। ओके, अभी हम बीटेक पे फोकस कर रहे हैं,
साथ में साइट से हम सोच रहे हैं कुछ वर्क करके अमाउंट क्रिएट करने का, ताकि हम लैपटॉप ले उसके बाद फिर फाइनल ईयर में मतलब ये ट्राई करना है हमको ना। बिल्कुल ये सही रहेगा, ठीक है ऐसा कर सकते हो, लेकिन पहले लैपटॉप को अरेंज करने का प्रयास करो कि हम लैपटॉप कैसे अरेंज कर सकते हैं साइड इनकम करके। ठीक है अभी देखो फाइनेंशियल स्टेटस अगर तुम्हारा वीक पड़ रहा है तो तुम कुछ ऐसे काम कर सकते हो जैसे कि बच्चों को होम ट्यूशन दे सकते हो। ठीक है मैं ये हाँ मतलब देखो मैंने सब किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है तो क्या बोलते हैं होम ट्यूशन दे सकते हो कि थोड़े से पैसे अरेंज हो गए, और आज के टाइम में होम ट्यूशन में भी बड़ा पैसा है। ठीक है तो होम ट्यूशन देके तुमने क्या किया, थोड़े से पैसे अरेंज कर लिए पीछे हो दो, फिर अपना इस पे फोकस कर लो। बट लैपटॉप के बिना BIM का ट्रेनिंग मत लेना, कोई काम नहीं मतलब कोई मजा नहीं आएगा तुमको, यूज नहीं बनेगा। ठीक है सर, साइट एक्सपीरियंस भी है हमको सर, साइट इंजीनियर एज ए साइट इंजीनियर वर्क तो कर ऐसा कर सकते हैं। सकते हो कि कुछ दिन तक एज ए साइट इंजीनियर काम करके पैसे अर्न कर लो, और फिर उसके बाद अपना लैपटॉप परचेस करके फिर BIM में। अभी एक लड़का है ना, मुझे यार सुबह कॉल किया था मुझे, वो अपने BIM वाले गुरुकुल बैच में आने वाला है, तो वो बड़ा अच्छा किया है, वो पहले पैसे का बैकअप लिया है। ठीक है एज ए साइट इंजीनियर उसको पसंद नहीं था बट उसको पैसे कमाने थे, पैसे की जरूरत थी तो पैसे का बैकअप ले लिया है लगभग 70-80 हज़ार रुपये का। बोला सर क्या मैं 3 महीने पूरा लगा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा? मैंने बोला 100% हो जाएगा, और एक्चुअली भी हो जाएगा, ये मेरे को भी पता है, क्योंकि होता नहीं तो मैं कभी, मेरी लैंग्वेज ऐसी है कि मैं भाषा अगर जबान दे दिया मतलब होना है। ठीक है तो क्या बोलते हैं वो 3 महीने का 4 महीने का उसके पास बैकअप है, और 3 महीने बाद उसका काम हो जाएगा। तो उसने लैपटॉप परचेस करके 50,000 रुपये सेविंग रखा हुआ है, तो कुछ ऐसा प्लान करो देवा। सर एक क्वेश्चन और था बोलो बोलो। सर बेस्ट सिटी कौन सा रहेगा बीम के लिए? बीम के लिए बेस्ट सिटी हमेशा क्या होते हैं, बीम मतलब MNCs, ठीक है बीम का दूसरा नाम MNC बोल सकते हो आज के टाइम के हिसाब से। तो MNCs कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी? बड़े सिटीज़ में, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, इतने ही सिटीज़ हैं जहाँ पर बीम का ज़्यादा स्कोप है। ठीक है नॉर्मल स्कोप तो हर जगह, जैसे औरंगाबाद में 2-3 कंपनियाँ हैं, ठीक है मैं लगभग सबको जानता हूँ, नासिक में भी 2-3 कंपनियाँ हैं, 3-4 कंपनियाँ नागपुर में हैं, ऐसे हैं। बट बल्क कंपनी अगर चाहिए तो ये 5-6 सिटीज़ में ही है, हैदराबाद और बेंगलोर, पुणे, मुंबई और गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली, बस। थैंक यू सर। ओके चलेगा। ठीक है रशीद आप अपना माइक ऑन कर लेना, रशीद उसके बाद महेंद्र करेंगे। रशीद कुछ बोलना चाह रहे हो? हेलो। हेलो हाँ ब्रदर बोलो। असल में सर मेरे को बिजनेस करना है, तो हाँ सर प्रॉब्लम ये है सर, असल में यहाँ पर अमरावती में क्या है सर, जिसका नाम है उसका ही काम है सर। करेक्ट है। तो सर नाम बनाने के लिए सर मार्केट को हिलाना है सर, नाम बनाने और मार्केट को हिलाने के लिए सर, मार्केट को हिलाने के लिए सर मैंने ऐसे सोचा सर बिजनेस फील्ड के हिसाब से। हाँ सर मैं सेल खोलता सर। सॉरी क्या बोले, बिजनेस के हिसाब से? सर मैंने बोला कंस्ट्रक्शन बिजनेस के हिसाब से सर, जैसा अभी आया ऐसा है सर यहाँ पर काम करने वाले कम है, करेक्ट, तो जिनका नाम है काम उनके पास ही है, जो फ्रेशर है उनके पास काम ही नहीं है सर, वो करेक्ट, उनके हाथ के नीचे काम कर रहे सर। करेक्ट सर मेरा माइंडसेट पूरा बिजनेस का है सर, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। चलेगा ठीक है मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे। तो सर मैंने बोलो, सर मैंने सोचा ऐसे सर, हाँ सर मैंने सोचा क्या सर प्लान फ्री में कर देता सर, टोटल प्लान फ्री में। करेक्ट। मैंने सर आपका स्टार्ट प्रो का कोर्स लिया था, करेक्ट, तो स्टार्ट प्रो सर टोटली मैंने वो लर्न कर दिया हूँ, और साथ में सर RCDC, उसके बाद सर ऑटोकैड, हाँ 3D में स्केचअप, वीरे एंड स्केच। करेक्ट। अब फिलहाल सर साइट इंजीनियर था सर, साइट की नॉलेज के लिए, लेकिन अब वो साइट आज खत्म हो चुकी है, स्लैब हो चुका है तो आज खत्म हो चुकी है। तो सर मैंने ऐसा सोचा कि घर के प्लान फ्री में कर देता, डिजाइनिंग का 3 रुपए स्क्वायर फीट और 3D का लमसम अमाउंट। ओके। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है सर क्या बैकअप नहीं है सर, ओके ठीक है, मैं जाना कैसा है सर? मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ तुमको, मैं तुम्हारा माइक ऑन ऑफ करूंगा क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा है। ठीक है मैं तुमको टेक्निक, असल में सर मैं मार्केट में हूँ सर, कोई बात नहीं, कोई बहुत टाइम लग गया सर नंबर आने ठीक है ठीक है, रुको मैं बताता हूँ। ठीक है चलेगा, किसी ने बोला ही नहीं।
ओके ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। पहले आंसर दे दे रहा हूँ, उसके बाद जो डाउट है फिर से ऑन कर लेना। एक चीज़ मैं सबको पहले क्लियर कर दूँ कि अगर किसी को जाना होगा तो बेशक आप जा भी सकते हो, या फिर इतनी बेहतरीन नॉलेज, इतना कितना अच्छा सा क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, उसको पूरा मार्केट ही लाना है। बहुत अच्छा ये थॉट है, ठीक है, और होना भी चाहिए थॉट, क्योंकि बड़ा रहेगा तभी कुछ बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं जाना रहेगा किसी को, तो बिल्कुल जा सकते हो। और हमारा मेन आज का जो एम था वो यही था कि अगर आपके पास, अगर आप जॉब में हो तो आप ये फिक्स कर लो कि कहीं पर भी ओपनिंग्स देखते हो तो आप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, किसी की हेल्प हो जाएगी। आपके कंपनी में अगर जॉब है तो उसे जरूर आप क्या बोलते हैं, किसी का हेल्प कर दीजिए। आपको इंसेंटिव मिलता है 5,000 से 10,000 के बीच में, कंपनी खुद ही पे करेगी। चाहे तो आप एचआर से अपने पूछ सकते हो कि मैं इंप्लॉइज अगर दूँ आपको तो आप मुझे कितना पे करोगे, तो 5,000 से 10,000 के बीच में तुमको इंसेंटिव देते हैं, ठीक है। वो फिक्स है, वो कंपनी का रूल होता है, और यही मेरे को बोलना था। और जिसकी जब पास जॉब की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनने लोगों ने यहाँ पर बोला है अच्छी बात है, जिनने लोगों ने नहीं बोला है मुझे डीएम भी करोगे, तो मैं एक एक करके कोशिश करूंगा कि उस शहर में आपको 5-6 अपॉर्चुनिटी दिलाऊंगा, बाकी आपका लक है, ठीक है। अभी हम इनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हम अगर पूरे मार्केट को हिलाना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो देखो एक सीधी सीधी बात है, पहली चीज़ है कि इनके पास अभी बजट नहीं है, ठीक है। हर एक हम लोग के पास जो भी मिडिल क्लास बच्चे हैं, बजट नहीं होता है, ठीक है, किसी बिजनेस को करने के लिए। तो दो तरीके से ये जा सकते हैं। पहला तरीका है कि अगर इनको नाम बनाना है, ठीक है, तो नाम बनाने के लिए जो सिंपल सा मेथड है वो मेथड ये है कि इनको किसी भी जो बड़ा बिल्डर है, ठीक है, जो अपने उस एरिया में सबसे अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसके साथ लगना पड़ेगा। और उसके साथ लग के थोड़ा अपने को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देके मेहनत करके उसके साथ अपना नाम बनाना पड़ेगा। एक मेथड ये हो गया जिसमें हो सकता है डायरेक्ट सक्सेस मिल जाए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल आप किसी को प्लान फ्री में करके न दीजिए, ठीक है। फ्री में करके आप देंगे तो उस प्लान की वैल्यू नहीं होगी, पहली चीज़ तो याद रखो, ठीक है। दूसरी चीज़, ब्रांड कैसे लोगों का नाम फेमस है वहाँ पर मार्केट में, सीधी सीधी बात है, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। उनको जैसी चीज़ें दिख रही हैं उस हिसाब से चीज़ें बिक रही हैं। तो मेरा ये कहना रहेगा कि तुम पहले बेसिक कैपिटल उठाओ, ठीक है। बेसिक कैपिटल कैसे उठा सकते हो, अब आपके पास आसपास देखोगे बहुत ऐसे लेबर्स होंगे, ठीक है, और मिस्त्री होंगे, ठीक है। आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि भाई हम आपको काम, क्योंकि तुमने काम तो जानते ही हो, ठीक है, हम आपको काम देंगे, आप काम करके हमें क्या रेट पर काम करके देने वाले हो, ठीक है। जनरली हो सकता है 210 रुपये, 205 रुपये या फिर 200 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास तुम्हारे यहाँ पर रेट होगा। वो बोलेंगे हम इतने पर आपको 280 रुपये, 280 नहीं, ज्यादा है, फिर तुमने रिसर्च नहीं किया है, 280 नहीं होगा सर, गली बात करो सर ठेकेदार से, सर ठेकेदार से किया ना, ये गड़बड़ किया ना, ठेकेदार से नहीं करना है। नहीं, वो इंजीनियर ने ठेकेदार को दिए थे तो ठेकेदार ने 280 रुपये बोला। तुमको तुमको ठेकेदार पर पहुंचना ही नहीं है, तुम खुद ठेकेदार प्लस इंजीनियर बनोगे, सक्सेस पाना है तो, क्योंकि ठेकेदार क्या करेगा, वो खाएगा, फिर मिस्त्री को अलग से देगा, फिर आपके पास बचा कुचा इनकम आएगी जो कि बहुत नॉमिनल होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लेबर्स का सेट रखना है कि भाई हम इसको इसको हमारे पास रखेंगे और ये इस जो मिस्त्री है इसको इसको अपने पास रखेंगे, इनका तुमको सेट बनाना है। और बना के सिर्फ और सिर्फ मार्केट में, ठीक है, ये देखो जैद ने बता दिया कि 190 रुपये एक्चुअली यही रेट होगा, ठीक है। तो इतना क्या बोलते हैं, इतना रेट नहीं होगा। तो अब क्या कर सकते हो कि तुम उनका सेट बना लो, और सेट बनाने के बाद मार्केट में जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको आप बता सकते हो कि मार्केट का रेट ये चल रहा है। सीधी सीधी बात है, जिसका नाम है ना वो कम पैसे में काम नहीं करता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दो कि हम इस प्राइस पर ये पूरा काम करके आपको दे देंगे। और सीधी सीधी बात है कि देखो यार एक्चुअली बताऊँ क्या, अभी मैं गया था एक जूडियो का शोरूम है, जूडियो कंपनी है कपड़े का, सबको पता होगा शायद, ठीक है। तो वहाँ पर सेल चल रहा था, ठीक है, तो सेल चल रहा था, तो मैं देखोगा अपने एक मिनट में लेट था क्लास में, मैं जनरली लेट नहीं होता हूँ। तो वहाँ पर क्या था, सेल लगा हुआ था, और सेल में क्या था, जो 500 रुपये के कपड़े थे वो 299 की 199 ऐसे कुछ मिल रहे थे, जो 1,000 के थे वो 399 के आसपास में मिल रहे थे। तो इतने ज़्यादा लोग सेल, कोई कंपनी उम्र कुछ नहीं देख रहा है, बस फटाफट लोग ले रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके काउंटर पे एक मिनट नहीं लगता था बिलिंग करने के लिए, आज करीब करीब 35 लोगों की लाइन लगी हुई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं लाइन लगाऊंगा तो हम टाइम पर जो प्रॉमिस किए पहुंच नहीं पाएंगे, तो फिर मैं डायरेक्ट गया उसके पास, फिर मैंने उसको कन्विंस किया, मैंने बोला कि मेरी मीटिंग है, अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा। तो उसने माना इस चीज़ को और करके हमको दिया। तो मतलब कुल मिला के हम क्या करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जब उसने सेल लगाया, तो सेल लगाते ही लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इसका नाम है कि नहीं, ये देख रहे हैं कि अच्छा 199 में लोगे क्या,
ठीक है, अगर विंटर के कपड़े 199 299 मिल रहे हैं तो सोचना क्या है, उठा लेना है। तो यही करो कि लेबर्स के सेट बनाओ, और सेट बनाने के बाद जितना नॉमिनल कॉस्ट में हो सकता है लोगों को ऑफर कर दो, ठीक है। तुम पैसे बहुत कम कमाओ, नाम कमाने का थोड़ा सा स्टार्ट करो अपना, और ये सीधी सीधी बात है कि उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम, ठीक है। ये नहीं है कि तुम अगर आज करोगे तो आज ही पूरा मार्केट हिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जिन्होंने किया है उनको भी 20-15 साल लगा होगा, 10 साल लगा होगा, 5 साल लगा होगा। तो तुम क्या करो, अपने मार्केट में थोड़ी सी इनकम बढ़ाओ, इसके बाद विद मटेरियल काम बाद में लेना, अभी केवल और केवल लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन के अपना करियर को स्टार्ट करो। कोई रिस्क नहीं होता इसमें, क्योंकि रिस्क क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2-2.5 लाख तो काम होता है पूरे बिल्डिंग का, ठीक है, बहुत होगा 4 लाख का होगा। तो इसमें रेयर चांसेस होता है फ्लॉप होने का, ठीक है। यहाँ से काम स्टार्ट करो, इसके बाद तुम विथ मटेरियल 1700-1600 जो रेट होगा तुम्हारे यहाँ पर, उस रेट पे नेक्स्ट लेवल पर आओ। फिर उसके बाद उसके हाई लेवल पर चले जाओ कि हम प्रीमियम हाउसेस, प्रीमियम रो हाउसेस बनाते हैं, और फिर तुम्हारी करियर स्टार्ट हो जाएगा। रेट को गिरा दो, प्रॉफिट को एकदम उतना ले लो कि बस सर्वाइव कर सको अच्छे से। यही तरीका होता है मार्केट को तोड़ने का, और कोई तरीका नहीं है रशीद, समझ आपसे। सर मुझे वो होना था सर, आपका ब्राउचर होना था सर, रेट वाइज आपने जो स्टैट प्रो के बैच में डिस्कस किए थे, मैं दे दूंगा, है मेरे पास, मेरा ब्राउचर मैं दे दूंगा। और सर वो नहीं आता सर अपना, सर वो अपन बोलो बोलो कोर्ट से बनाते फॉर्म, क्या अच्छा नाम है उसका, फॉर्म बॉन्ड पेपर सर, बॉन्ड पेपर। अच्छा बॉन्ड पेपर, हाँ दे दूंगा, ठीक है। सर ये मैंने ऐसा सोचा करने का सर, जो फैप फैप की फौज से, हाँ सर मैं ऑफिस खोल रहा हूँ, तो मैंने ऐसा सोचा सर डिजाइनिंग के लिए, मैं ऐसा करूँ सर। पहले ऑफिस मत खोलो, ठीक है, ऑफिस खोल लोगे सर, अभी तक की तो सर इंटर्नशिप ही चली थी सर अभी तक। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ऑफिस मत खोलो, पहले पहले पैसे कमाओ, उस पैसे से ऑफिस खोलो, ठीक है। और पैसे कमाने के लिए बिलीव करो, जो जो ठेकेदार होता है उसका कोई ऑफिस नहीं होता है, ठीक है, वो ऐसे ही कमा लेता है। तो पहले क्या करो, पहले सीधी सीधी बात है, पहले हमको बहुत ब्रांड पे नहीं जाना है, बहुत पैसे खर्च नहीं करना है, नॉमिनल अमाउंट पे अपने काम को स्टार्ट करो। मैं तुमको बताऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैसे मैंने काम पाया मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने पहला वाला मेथड, जो तुम्हारा दूसरा वाला मेथड तुमको मैं बता रहा हूँ, पर मैं पहला वाला मेथड को फॉलो किया था। पहला वाला मेथड क्या था, ठीक है, मेरे मौसा जी हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े बिल्डर हैं, ठीक है, तो मैं उनसे अपना कनेक्शन लगाया कि मैं आपके यहाँ पर कुछ दिन तक काम करता हूँ, ठीक है। तो उनके वजह से मेरा नाम थोड़ा सा हो गया कि भाई उनका ही रिलेटिव है और उनके बच्चे जैसा ही है, तो मेरा नाम थोड़ा थोड़ा वहाँ से फैला। प्लस जब मैं अपना प्लानिंग करने लगा, मेरे को साइड विजिट, क्योंकि वहाँ पर साइड विजिट का पैसे मिलते थे, तो मुझे नहीं मिलते थे, उनको मिलते थे, पर जाता मैं था। तो जब मैं जाने लगा तो धीरे धीरे क्या हो गया, मेरा वहाँ पर नाम होने लगा, और कई ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मेरे लिए क्या प्लान बना के दोगे क्या, ठीक है। तब मुझे प्लान बनाने का, उनके यहाँ पर 4500 रुपये मिलता था, जिसमें प्लान भी बनाता था, साइड विजिट भी करता था, ठीक है, लेकिन हम पार्ट टाइम करते थे क्योंकि कॉलेज करने के बाद जाते थे। तो मेरा जो काम हुआ वो स्टेप नंबर 1 से हुआ, मतलब मैं पहचान वाले आदमी के साथ गया, उसके मार्केट में मेरा नाम बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो मैंने तुमको बताया ये है, चूज कर लो, सोच लो, जो में से दो में से जो तुम्हारा ऑफर मिलता है उसमें चले जाओ। और डिटेल में करना है तो किसी दिन मुझे कॉल करना, मैं और डिटेल में तुमको एक्सप्लेन करूंगा। इधर अभी और लोग ले लेता हूँ, नहीं तो हो नहीं पाएगा ना सर। एक और स्पेशल स्टफ सर, बोलो बोलो। असल में सर स्टार्ट रूम में थोड़ी अच्छी की हासिल होगी सर, क्या ये 2 महीनों में सर स्ट्रक्चर डिजाइन में सर, एनालिसिस में, हाँ स्टैटिक और डायनामिक में। तुम क्या करो, वो जो सिविल इंजीनियरिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट वाला क्लास है उसमें आ जाओ, मैं टोटली फ्री रहता हूँ उसमें, ठीक है। और तुम डिटेल में एक एक चीज पर डिस्कशन आराम से कर सकते हो। तो सर वो सिर्फ सर वो एनालिसिस चेक करना है सर, सही है कि गलत है सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसमें आ जाओ, ठीक है। केवल एनालिसिस पर डिस्कस करके बिजनेस पे भी डिस्कस कर सकते हो मेरे से, ठीक है। तुम्हें अगर ठीक लगे तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं ऐसा प्लान तो नेक्स्ट संडे को भी करने वाला हूँ, उधर भी आ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट यहाँ थोड़ा सा वेट तुमको ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि सब यहाँ पर सबके लिए आए हैं ना, इंतजार ही इंतजार है सर यहाँ पर। चलेगा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके ठीक है, महेंद्र अपना माइक ऑन कर लेना, तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा था महेंद्र। हाँ सर, हाँ तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा था, पोर्टफोलियो तुम्हारा अच्छा था,
मेरे को रिप्लाई देने को टाइम भी नहीं हाँ मिला, बट देखा मैंने पूरा था। हाँ ठीक सर, है उसमें मेरा एक वो छूट गया था, वो जैसे मैंने हाँ नेवी स्मोक भी सीखा था, हाँ तो नेवी स्मोक का सर उसमें मैंने वो इमेज डालना है, तो मैंने कौन से व्यू का ऐसे प्रेजेंट करूँ वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे। नेविस वर्क का एक्चुअली ने वो अगर पोर्टफोलियो भी जो बनाया है ना मैंने, तो वो इमेजेस पूरी आए नहीं है, तो ऐसा कोई ये तो नहीं है कि इमेजेस उसमें जो डिटेलिंग की है वो नहीं, डिटेलिंग थोड़ी सी शो होनी चाहिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें शो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए नेविस वर्क का सिर्फ लोगो लगा दो, कोई एक प्रोजेक्ट हो तो जिसको जस्ट रेबिट जो इंस्केप के अंदर, सॉरी जो नेविस वर्क के अंदर ले जाके इंपोर्ट किए हो, सिर्फ उसी का स्क्रीनशॉट लगा दो, ठीक है। डेफिनेटली सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा, उसको क्वेश्चन का आंसर कर दो, ठीक है। देखो मुख्य रूप से उसमें ओके इसके ओके उसमें नेविसोर में मुख्य रूप हाँ, से क्योंकि काम, क्लैशेस वगैरह जो भी है ना तो सारे के करूंगा तो काफी टाइम लग नहीं नहीं जाएगा नहीं बस उनको क्योंकि याद रखो कि उनको हमको आंसर क्या देना है, क्या क्या करते हैं नेविसोर के अंदर। सीधी सीधी बात है, क्लैश डिटेक्शन का क्लैश पूरा, डिटेक्शन ठीक करते हैं। है, एनिमेशन का हाँ पूरा काम करते हैं, इस्टीमेशन का पूरा काम करते हैं, ये तीन मुख्य काम है, ठीक है। एस्टिमेशन अब एनिमेशन करने के तीन तीन मेथड दिए हैं, एक मेथड है कि बाई व्हील वॉक करके चले जाओ, एक सेक्शन काटते हुए चले जाओ, एक सेक्शन टाइमर काट लगा के दो, हाँ ठीक है। टाइमर टाइमलाइन पूरा पूरा नेविसोर का निचोड़ यही तो है, ओके ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट में दिखाओ, ऐसे पूरा दिखाने की जरूरत नहीं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि तुम ट्रस्ट दिला दो सामने वाले को, मुझे आता है, अच्छा ठीक है। बस पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो कैसे है कि अभी महंत के बारे में मैं क्या जानूं, तो महंत के बारे में जानने के लिए मेरे पास पोर्टफोलियो एक अच्छा माध्यम हो गया कि इनके बारे में मैं जान सका, बस, ठीक है, चलेगा। एंड उसपे रिज्यूम का भी आपने बताया था कि वो थोड़ा सिंपल रखना है, तो बोले सर आपने रिज्यूम हमेशा सिंपल रखना, मैंने एक सिंपल दिया था, हमारा एक स्टूडेंट है सर यहाँ पर हाँ ऑनलाइन भी है, प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी का ही ओके रिज्यूम अच्छा दिया था, काफी अच्छा रिज्यूम है उसका, इसलिए मैंने दिया था, ऑनलाइन भी है वो, ठीक है। तो उसी के रिज्यूम के हिसाब से तुम एडिट कर लो, बेस्ट रिज्यूम बनाया उसने और वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, ठीक है सर चलेगा, ओके ओके थैंक यू ओके। हाँ शुभम अपना माइक ऑन कर लेना। सर, मेरे को वैल्यूएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन करना था सर। हाँ बोलो ना। प्रॉपर्टी सर, मैं एज अ प्रॉपर्टी वैल्यूअर 2019 से जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक से मेरे एरिया की वहाँ हाँ काम कर रहा हूँ सर, हाँ बट वो नेशनलाइज बैंक का पैनल वैल्यूअर होने के लिए मैंने कुछ सर्चिंग की थी, तो उनका बोलना ऐसा था कि आपको चार्टेड पहले इंजीनियर, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद में आईबीबीआई की जो एग्जाम है वो जब आपकी क्लियर हो जाएगी उसके बाद आप नेशनलाइज बैंक के पैनल्स पर एज अ वैल्यूअर काम कर सकते हो करके, नहीं क्या? ओके तो सर अभी मेरे को कोई लीड नहीं मिल रही है, यानी मेरे पास और मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट उनको होना वो एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए, तो ओके अभी और 2 साल बाकी है मेरे, 3 साल हो गए तुम्हारा 19 से, पास पास आउट ईयर क्या 2000 है? 19 ओके ये तुमने तो सर आईबीबीआई अभी के लिए पता किया था, 5 साल पूरा मांग रहे हैं, हाँ हाँ पता किया था सर। कहाँ पर पता किया था? भाद में, सर मैंने इंस्टीट्यूट सर्च किए थे कुछ दो तीन, एक पुणे का था मेरे, बोले महाराष्ट्र से था मैं, तो एक पुणे, एक औरंगाबाद, कौन और सा था, आई थिंक नाम एक, नाम बता दो। सर अभी उतना याद नहीं क्योंकि मैं गूगल की किया था वो, ओके क्या की और वैल्यूएशन फिर का, मैंने वैल्यूएशन उन हाँ इंस्टीट्यूट्स, तो हाँ, और ओके उन उनसे कांटेक्ट भी किया मैंने, बात भी किए थे फोन पे, हाँ तो बोले तो मेरा कहना ये था कि अगर मैं अभी कोर्स कर लेता हूँ वो कंप्लीट, और बाद में अगर मैं एग्जाम के लिए अप्लाई करूँ 2024 में जब मेरा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तब तो चलेगा क्या? तो उनका बोलना ऐसा था कि जब तक आपको 5 साल कंप्लीट नहीं होते तब तक के आपको इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन भी नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ उनका मुझे कहना ऐसा मुझे था। इंस्टीट्यूट का नाम भेजना, ठीक है, वो व्हाट्सएप कर देना जब ये याद आए, ठीक है, पुणे वाला अच्छा जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मुझे हाँ शायद हाँ पता और रहेगा सर कुछ कनेक्शन निकल सकते हैं। हाँ हाँ बोलो। तो मेरी ये मेरे को ये बोलना था कि अगर आपके कॉन्टेक्ट में, क्योंकि वो अगर पैनल वैल्यूअर रहा तो वो अकॉर्डिंग पूरा इंडिया में कहीं भी काम कर सकता हूँ वैल्यूअर, नहीं क्या? एक हाँ बार अगर पैनल पे चढ़, अगर SBI बैंक है हाँ उसके बैंक पे कोई भी अगर वैल्यूअर है हाँ तो वो इंडिया में कहीं कोई भी बैंक को वैल्यूएशन रिपोर्ट दे सकता है करेक्ट है, SBI के लिए, नहीं क्या? अगर करेक्ट SBI के पैनल पे है तो कहीं भी कोई भी स्टेट की SBI रहेंगी वहां पे वैल्यूएशन रिपोर्ट वो दे सकता। तो सर मेरे को ये लीड होना था कि आपके अगर पहचान में कोई कांटेक्ट में अगर कोई वैल्यूअर हो आपका दोस्त, नहीं तो कोई उनकी फर्म हो
तो उनके लिए एज अ एसोसिएट मेरे को काम करना है। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ ये सब चीज, बट सर मेरी लिंक नहीं लग रही कहीं। बहुत बढ़िया है, एक लड़का है ठीक है, और अब मुझे श्योर नहीं है कि उसका क्या बोलते हैं IDBI का लाइसेंस है कि नहीं है ठीक है, और हाँ मेरा ही कलीग कलीग क्या मतलब भाई है छोटा ठीक है, तो हाँ हाँ वो है, बट ये फिक्स मैं करता हूँ उससे पूछ के कि IBBI में क्या IDBI बोला ना तुमने, हाँ IBBI IBBI ठीक है, तो IBBI से उसने, मुझे नहीं लगता है कि उसने एग्जाम क्रैक किया हुआ है ठीक है। नहीं और सर, पहले कैसा था ये, अभी उन्होंने सर्कुलर निकाला है, जितनी भी नेशनलाइज बैंक्स है ना, ये एक दो साल में उन्होंने ये सर्कुलर निकाला है। करेक्ट इसके पहले के जो वैल्यूअर्स थे हाँ, वो चार्टेड उनका, इंजीनियर, डायरेक्ट चार्टेड इंजीनियर जो होते थे उनका तो लाइसेंस वैलिड हो जाता था पहले। हाँ बट सर वी आर सिविल इंजीनियर्स ना, और अगर मेरे को पीजी के बाद अगर करना है हाँ, तो पीजी के बाद 3 साल और ग्रेजुएशन के बाद 5 साल, ऐसा नहीं, कुछ था। चार्टेड इंजीनियर के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, चार्टेड नहीं सर, बट हाँ बोलो। मैंने अभी, मैं यहाँ मेरे लोकल यहाँ पे 10 to 12 नेशनलाइज बैंक्स है, तो हाँ मैं हर एक मैनेजर को मिला, उनके तरफ से कुछ लीड निकल सकती क्या बोले तो, उनके पैनल पे जो वैल्यूअर्स है हाँ उनके लिए मैं काम कर सकता कि ये चीज के लिए मैंने उनसे कंसर्न किया। करेक्ट, बट जितने भी मेरे साइड नागपुर वागपुर ये साइड जो वैल्यूअर्स है उनका बोले तो पहले से वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने हर जगह एसोसिएट्स पहले से डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने एरिया पहले बांट दिया, जैसे एक महाराष्ट्र स्टेट में एक विदर्भ एक मराठवाड़ा ऐसे एरियाज है ना बड़े बड़े, तो उन्होंने, अभी मेरे को विदर्भ का काम होना था पूरा, बोले तो वो कमीशन वाइज सब डिसीजन होके वो वैसा काम करते, अगर 3,500 3,500 से 4,000 रुपए एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के अपन फीज अपन उनसे लेते, करेक्ट और उसके बावजूद बैंक जो है वो जो मेन वैल्यूअर है पैनल वैल्यूअर उनको फीस अलग से देते हैं और अपन क्लाइंट से फीस अलग से लेते हैं, करेक्ट तो वो मेन वैल्यूअर क्या करते हैं उनका स्टैंप और उनकी सिग्नेचर के सिवा वो वैल्यूएशन रिपोर्ट अपन कुछ नहीं कर सकते ना उसमें, हाँ। तो वो सर 500 to 600 रुपीज बस एसोसिएट को देते, बाकी पूरे का पूरा वो ही रख लेते, ओके। और अपना काम इतना है कि वहां विजिट करना हाँ। और एक्चुअल जो रेट्स है प्रॉपर्टी के, हाँ लोकलाइट को ज्यादा पता रहता ना हाँ हाँ बाहर हाँ वालों से, हाँ करेक्ट है तो वो जो एग्जैक्ट रेट्स है वो उनको देना, बाकी हाँ वो सब कुछ बना के बस अपने को वो सेंड कर देंगे, डिजिटलाइज सिग्नेचर वगैरह रह डिजिटल के, और सिग्नेचर अपने को बस करना, हैंड ओवर करना है। करेक्ट तो सर समझ, ये अगर चीज में आपकी अगर मेरे को कोई हेल्प हो सकती है तो सर मैं बिल्कुल वो बिल्कुल चीज के लिए, अभी अभी मैं जस्ट अभी बाहर गाँव से ही आया, पहले मेरे को यही सवाल पूछना था करके मैं अभी ज्वाइन हुआ। ओके। मेरा एक क्या बोलते हैं स्टूडेंट है सौरभ करके, हरियाणा का है ठीक है, वो भी अच्छा वैल्यूएशन का काम करता है, मैं उसे भी कंफर्म कर लेता हाँ हूँ कि उसने IBBI का एग्जाम, क्योंकि IBBI का अभी रिसेंट ये हाँ निकला हुआ कि हमारे टाइम पे IBBI का कोई एग्जाम नहीं था वैल्यूएशन के लिए हाँ 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 ठीक है, राइट सर। तो तो उन्होंने वो जो एक मैनेजर थे SBI के, उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ पहले ये रूल नहीं था, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम सीधा सीधा, अगर कोई, उन्होंने ये भी बोला अगर आपके पास कोई बैंक की अपॉइंटमेंट हो, नेशनलाइज बैंक की अपॉइंटमेंट हाँ लेटर हो तो हम आपको ले सकते, करेक्ट बट मेरे पास सर पूरी की पूरी कोऑपरेटिव सेक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेटर है, मैं 7 से 8 बैंक पे काम कर रहा हूँ करेक्ट, बट नेशनलाइज तो बैंक एक भी नहीं तुमने मेरे कोई पास। लेसेंस निकाला है? नहीं सर, कोऑपरेटिव के लिए नहीं सर कोई वो नहीं लिंक वाइज जो पहचान थ्रू नहीं किया, हाँ जो प्रेसिडेंट वगैरह ये वो लोग रहते तो वो हो उनके जाता थ्रू मैंने है लिंक लगा के कर लिया ठीक था। ठीक हाँ है। एक बार थोड़ा सा तुम जिसे भी पूछे हो उससे पूछ के एक इन्फॉर्मेशन मुझे देना कि क्या हाँ चार्टेड इंजीनियर की प्रोफाइल्स, क्योंकि चार्टेड इंजीनियर का 3-4 लाइसेंस है अपने पास ठीक है, ठीक है अपने ही लोगों के हाँ पास है, तो वो चार्टेड इंजीनियर के लाइसेंस से क्या SBI वैलिड करती है कि नहीं, इतना मुझे कंफर्म करके मुझे DM जरूर करना ठीक है। बिल्कुल। हेलो और सर, सर और मैं एक इस बात से कुछ क्वेश्चन जानता हूँ, मैं बोल सकता हाँ हूँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है तुम्हारा, सर बोलो। मेरे प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी चार्टर्ड इंजीनियर का लाइसेंस निकाला था भाईलोड के लिए काम करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं, उनको भी नेशनल बैंक काम करने दे रही है नहीं दे रही है? उन लोग। हाँ नहीं सर, इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स और इस तरह के किसी एसोसिएशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा एज पर न्यू IBC कोड। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर से आपको लेना पड़ेगा, देखो कितना अच्छा हाँ नॉलेज मिल रहा हाँ है सबको, इससे बेनिफिट हो रहा है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इसका मतलब कभी चार्टेड इंजीनियर वाले भी नहीं, पहले क्योंकि पहले का जो नियम था कि चार्टेड इंजीनियर अगर साइन कर दे रहा है तो वैल्यूएशन वैलिड हो जाता था ठीक है, अभी मुझे ये चार्टेड इंजीनियर का ठीक है, मैं पता करता हूँ कि IDBI का उसने क्रैक किया हुआ कि नहीं, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि SBI का ज़्यादा डिमांड होता होगा मार्केट में ठीक हाँ है। सर नहीं, यहाँ पे अभी मैं अगर मैं लोकल एरियाज भी पकड़ू तो सर यहाँ पे
बोले तो मेरा स्मॉल टाउन, मेरा होम टाउन तालुक का प्लेस है सर, फिर भी यहाँ पे इन एन अराउंड मंथली 300 to 400 केसेस सर निकलती, 300 से 400। ओके, आजकल तो सभी ईएमआई पे ही सबको घर बनवाना है। हाँ सर वही, अगर ये चीज में अगर सर मैं अभी पहले से कर रहा हूँ, बट अगर ये नेशनलाइज बैंक की सर लिंक लग गई ना, तो सर वो थोड़ा बदल जाएगा नहीं क्या? अभी 2 साल मेरे को वेट करना है, बट 2 साल कुछ इनकम सोर्स और एक नहीं, चालू मैं, हो जाता था इसमें मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अगर वो इंस्टीट्यूट पहचान का हो जाता है, ठीक है, तो क्लासेस वगैरह न लगा के उसको फीस दे देते, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस 6 साल का है, ठीक है, तो हम लाइसेंस निकाल सकते थे, ठीक है, और उसके बिहाफ पे तुम काम कर सकते थे। अब मेरे को 600 नहीं देना है, 50-50 पे काम कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है सर। बट वो उनको एग्जाम वो मैंडेटरी किए ना सर उन्होंने, एग्जाम मैं करेक्ट कर लूंगा, एग्जाम का मुझे पढ़ने के लिए कंटेंट दे देंगे तो मैं कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन का नॉलेज तो है ही, मतलब कि अभी सर वो सर टू वो ज्यादा 52 आवर्स का प्रोग्राम है सर, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। 52 आवर्स? हाँ सर, मैंने वो इंक्वायरी की थी, फिर भी मैं कल एक बार और इंक्वायरी करके आपको कॉल करूंगा, नहीं तो मुझे याद कर, मुझे कॉल करना, कॉल करना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अगर ऐसा है, क्योंकि अभी ना एसबीआई का हर कोई चाहता है कि एसबीआई में मेरा लोन हो जाए, है ना? यस यस, तो क्यों ना इस और सर अभी LIC भी सर मार्केट में उतरी है ना, तो सर SBI थर्ड नंबर पे है, LIC में सबसे ज्यादा केसेस है सर। हाँ, और अच्छी बात ये है कि LIC का तो क्या बोलते हैं, मेरे घर में एजेंट भी है, ठीक है, और हाँ सर उनको वही HLC थ्रू ही वो सब कुछ होता है, हाउसिंग लोन कंसल्टेंट जो है। हाँ, तो मैं 3 साल से सर यही ढूंढ रहा हूँ, बट मेरे को लिंक नहीं मिल रही अभी भी। तुम क्या बोलते, कल मुझे उसका बताना इंस्टीट्यूट का, ठीक है, और क्योंकि सर और एक क्वेश्चन सर, बोलो बोलो सर, लास्ट वन। हाँ बोलो बोलो सर, वो एक सर अभी मैंने ऑल इन वन जो अपना कोर्स था वो परचेस किया था, और मेरे को जैसा जैसा टाइम मिला वैसा वैसा मैंने स्टैड प्रो पे काम किया, बट सर क्या होता है ना, जब मैं काम करते टाइम अभी वो मैं वीडियो देख देख के सीखने का ट्राई कर रहा था, बट सर कई कई बीच में इतने एरर्स आ जाते, और सर यूट्यूब गूगल किया इधर उधर जाता हूँ, फिर भी सर मेरे को मिलता नहीं कुछ भी, ठीक है। इसका मैंने सोल्यूशन निकाला है, इसका मैंने सोल्यूशन निकाला हुआ है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है कि मैंने हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके क्या बोलते हैं सेपरेट कोर्स निकाल दिया है, ठीक है, 1 घंटे जिसमें मैं डेली लाइव रहता हूँ, और वो भी जानते हो कि हम लोग तो बहुत अफोर्डेबल ही काम करते हैं, तो उसका अभी कैसे कि आज तो मकर संक्रांति है, तो उसमें कितना की उसका 900 की फी है 6 महीने का, मतलब 150 रुपये महीने का, ठीक है। ओके, तो अब वो 150 रुपीज लाइक स्मॉल अमाउंट है आज के टाइम के हिसाब से, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम क्या करो कि उसको रजिस्टर कर लो, ठीक है, मैं डेली 7 बजे से 8 बजे तक लाइव रहता हूँ वहाँ पर, आराम से आके डेली तुम क्वेश्चन पूछ लो, सर, कोई भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, इवन तुम वैल्यूएशन में भी कहीं फंसे हो तो जितना मुझे आता रहेगा मैं पूरा 100% अपना देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ओके। इसीलिए मैंने निकाला, एक्चुअली मेरा उसका निकालने का मेन माइंडसेट यही था कि जो वीडियो कोर्स से पढ़ रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल में क्या होता है तो वहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि एवरीडे क्वेश्चन पूछते हो हम सॉल्व करते थे, बट वीडियो कोर्स में दिक्कत क्या होता है कि फंस गए तो वहीं रुक गए। हाँ सर, हाँ, वही प्रॉब्लम हो रहा है, तो रुक गए तो बेटर है कि 1 घंटे लगता है वहाँ पर, 5 मिनट में आओ अपना डाउट पूछ के निकल जाओ, ठीक है सर, ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छा। मुझे कल याद करके कॉल करना, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट बिल्कुल करूंगा सर, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उस इंस्टीट्यूट में कोई पहचान निकले, क्योंकि क्लासेस लगाने में मेरे को टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसे कुछ मैनेज करूंगा, ठीक है, ठीक है सर, चलेगा चलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, हाँ अवृति बोलो, अवृति बोलो। हाँ सर, आपको एक क्वेश्चन भूल गया था, बोलो सर, सर्टिफिकेट के लिए मैंने ऑल इन वन कोर्स लिया है आपका पूरा, करेक्ट, सर्टिफिकेट के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, एक साथ मिलेगा? अलग अलग मिलेगा ऑल इन वन का, उसमें करना क्या होता है कि जैसे ऑटोकैड का 2 प्रोजेक्ट प्रैक्टिस तो जरूर किया होगा, तो कोई भी 2 प्रोजेक्ट शेयर करना है, स्टेट प्रो का कोई भी 2 प्रोजेक्ट सबमिट करना है जो तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है, जो हमने क्लास में कराया है, जो तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है, और ETFs का 2 प्रोजेक्ट सबमिट करना है, 2 प्रोजेक्ट सेफ का, 2 प्रोजेक्ट RCDC का, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट सभी सॉफ्टवेयर का भेज देना है, और सबका इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसका मेन माइंडसेट समझो कि हम ऐसा करते क्यों है, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आप बाहर कहीं गए और आपने बोला है कि मैंने स्टेट प्रो सीखा है, वो पूछते हैं कहाँ से सीखा है, तुमने बोला यूनिक्स सिविल से सीखा है, ठीक है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, अगर उसने बोल दिया कि क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया, तो बोलेंगे क्या सिखाया यार यूनिक्स सिविल ने, गॉट इट। तो इसलिए मैं फॉर श्योर होना चाहता हूँ कि अगर आपने स्टेट प्रो सीखा हुआ है तो प्रोजेक्ट कर ही पा रहे होंगे, और प्रोजेक्ट कर पा रहे हो मतलब मेरा नाक तो बची जाएगा, ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट सबमिट कर दो, 1 हफ्ते के अंदर तुमको मिल जाएगा,
ओके सर, ठीक है चलेगा। सेम मेथड बीआईएम के लिए भी है, और मेरे वही जो जिस मेल आईडी से स्टडी मटेरियल आता है उसी मेल आईडी पर कर देना है, akash.pandey476@gmail.com, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर चाहिए होगा तो। ठीक है अंसारी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अंसारी बोल लो माइक ऑन करके, और कोई करना चाह रहा है कुछ बोलना चाह रहा है तो माइक ऑन कर लो, ऑन इन द सेंस वो हैंड रेज कर लेना एक एक करके। शुभम बोल रहे हैं कि बीआईएम कोर्स फ्रॉम यूनिसो, सो एनी रिकॉर्डेड लेक्चर इंक्लूडेड फॉर द स्टार्टिंग फ्रॉम एंड टू डी टू सीडी। नहीं आई थिंक वो ऐसे तो नहीं होंगे क्योंकि पार्ट्स में ही सारे के सारे, वीडियो कोर्स में क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं एक लिमिटेड टाइम में पूरा का पूरा करना रहता है, तो पार्ट्स में ही सारे के सारे रहेंगे शुभम। ठीक है गुरुकुल में करते हैं कि एक पूरा स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट होता है, ठीक है यहाँ पर कई लोग हैं गुरुकुल से तो उसमें पूरा का पूरा संभव हो पाता है। ठीक है बोल रहे हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल बैच के स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव होगा, कर सकते हो पर जरूरी नहीं है क्योंकि आपके लिए तो मैं खुद ही हूँ। अंसारी माइक ऑन कर लो करना हो तो, ठीक किसी को कुछ बोलना है तो कर लो फटाफट माइक ऑन, ठीक है हम लोग का सेशन लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं। हाँ जी बोलो प्रथमेश, ओके ओके हाँ हाँ सुजाता बोलो ना। लैंड लैंड डेवलपमेंट डिजाइन में जो जॉब निकलती है डिजाइन इंजीनियर बोल के, करेक्ट, जैसे कि इंडोवंस या फिर अलाडा सॉल्यूशन पुणे में, तो ये इस जॉब की फ्यूचर ग्रोथ है क्या सर? नहीं उसका इंडोवंस निकालता है, जी सोर्स करके कंपनी देखा होगा तुमने, जी सोर्स निकालता है, ठीक है तो ऐसी कुछ प्रेमवर्स निकालता है, ठीक है ये सब कंपनियां लगभग सारी कंपनियों को मैं जानता हूँ, सारी कंपनियां मुझे जानती है। ठीक है तो मैं इनको बताता हूँ कि देखो इनके यहाँ पर काम किस सॉफ्टवेयर पर होता है, सिविल 3D पर होता है। ठीक है अब मैं तुमको बताता हूँ कि एक लड़का है जी सोर्स में है, मेरा स्टूडेंट है और मैनेजर है वहाँ पर। ठीक है अगर तुम क्या बोलते हैं अगर कभी इंटरव्यू देने गए हो या फिर जाना कभी, तो गोविंद नाम है उसका, ठीक है मैनेजर है वहाँ का। तो उसका खुद का कहना है कि अभी मुझे पीछे फ़ोन किया था, बोला सर प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, ठीक है तो मुझे केवल सिविल 3D आता है, तो मुझे कंपनी बोलती है कि सिविल 3D पर तो एक लिमिटेड सैलरी ग्रोथ हो गया ना, क्योंकि अब तो ड्राफ्टिंग का ही एक एडवांस वर्जन हो गया, नेक्स्ट आपको क्या आता है और आपका एक्सपीरियंस तो ये हो गया, तो कुछ नया सीख के भी उसको अभी लॉस हो रहा है एक तरीके से। तो मेरे अकॉर्डिंग यार वो कैरियर चूज करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोई अंत ही नहीं है। जैसे मैं बीआईएम बोलता हूँ कि मैं बीआईएम का भी इंटर्नशिप करा रहा हूँ, बट बिलीव करो पूरा बीआईएम थोड़ी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है क्यों? क्योंकि पूरा बीआईएम थोड़ी खत्म कर सकता है कोई 4 महीने में, ठीक है कम से कम 4 साल लगेंगे पूरा बीआईएम खत्म करने में, इवन मोर देन दैट। ठीक है स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में 4 महीने सिखा रहा हूँ, ये 4 महीने में जॉब लग जाएगी मेरे डेफिनेटली, आप प्रोजेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, बट स्ट्रक्चर्स कितना बड़ा है। ठीक है तो अगर तुम स्ट्रक्चर्स में करियर बनाते हो तो तुम 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल तक अपने आप को ग्रोथ के ही लेवल पे देखोगे सेम बीआईएम में। तो ऐसे में साइट के लिए क्यों लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ। हाँ बोलो लैंड डेवलपमेंट डिजाइन बोल के सर वो लेते हैं ऐसा मतलब ये प्रोफाइल लेते हैं तो उसमें कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं क्या सर? नहीं ना अब तुम प्रेमावर्स की तुम अगर बात करते हो तो प्रेमावर्स पे 17,000-12,000 सैलरी ऑफर करते हैं, तुम चाहो तो इंक्वायरी करके देख लो मुझे पता है। ठीक है तो और अगर मैं बात करूँ इंडोवेंस का तो इंडोवेंस का मैक्सिमम पैकेज 3.2-3.8 का है, इसके आगे क्या करोगे? जी सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 12,000 से स्टार्ट करता है जी सोर्स, हमारे ही स्टूडेंट वहाँ पर काम कर रहे हैं कई ढेर सारे, गुरुकुल के भी 2-3 बच्चे कर रहे हैं। ठीक है और 18,000-20,000-22,000 तक का सैलरी ऑफर कर रहे हैं, फिर आगे क्या करोगे? ठीक है और एक सर पूछना था, बोलो ये बीआईएम सर लाइफ टाइम तक इसकी जॉब कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कैसे हो रहा है इसमें स्टेप्स है ना, आगे तुम बीआईएम मॉड्यूलर बने, फिर बीआईएम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर बनोगे, फिर बीआईएम कोऑर्डिनेटर बन रहे हो, ठीक है फिर बीआईएम इंजीनियर बन रहे हो, फिर बीआईएम मैनेजर बन रहे हो, फिर प्रोजेक्ट हेड बन रहे हो, तो इसमें उस सीनियर मैनेजर बन के तब प्रोजेक्ट हेड बनोगे, तो क्या हो गया इस पूरी जर्नी में लगभग तुम्हारा 20 साल हो गया। ठीक है और उसके बाद हो सकता है तुम खुद की बीम की कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दो। ठीक है अभी एक सर है, ठीक है L&T के BIM के हेड है, ठीक है मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं वो, ठीक है उनका नाम अच्छे दोस्त मतलब उतने ही अच्छे दोस्त हैं कि नाम नहीं याद है, ठीक है लेकिन प्रोफेशनल लोग इतना वो नहीं रहता है, मोबाइल में देखना पड़ेगा। मैं तुमको बताता हूँ वो क्या करते हैं, वो BIM के हेड हैं, ठीक है L&T के अंदर, तो पीछे हमसे बात हो रही थी उनकी, तो क्या बोलते हैं उनके कुछ स्टूडेंट्स थे वो इम्प्लॉइज थे उनके, बोले कि इनको ट्रेंड कर दीजिए आप तो जो भी आपकी फीस होंगी आप ले लीजिए, तो बड़ा अच्छा उन्होंने फीस पे किया क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आपके एक एक घंटे की वैल्यूज लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये अपना क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि उनका L&T में लगभग 2.5 लाख रुपए सैलरी है और उन्होंने कुछ एसोसिएट्स अपने घर पर रख लिए हैं, मतलब कि 4-6 लोगों को हायर कर लिया है, हमारे जैसे लोगों से ट्रेंड करा लेते हैं
और उसके बाद वो बाहर से प्रोजेक्ट लेते हैं, और क्योंकि उनके सीधी सीधी बात है कि वो L&T के हेड लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास कनेक्शंस तो हैं ही, तो उन कनेक्शन से वो काम लिए, जो छोटे छोटे काम हैं उन काम्स को क्या कर दिया, अपने एसोसिएट की तरफ दे दिए, जैसे भी शुभम बता रहे थे कुछ इसी तरीके से 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये बैंगलोर में हायर कर लिया उन्होंने। तो क्या हो रहा है, एक तो उनका काम हो रहा है कि क्या बोलते हैं उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं थोड़े से उन्होंने गाइड कर दिया एसोसिएट्स के माध्यम से हो गया, और दूसरा चीज़ क्या, और L&T से कंपनी में एक अच्छी सैलरी प्लस अच्छे कनेक्शन को बना के रखे हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कल को तुम खुद का भी साइड बाय साइड स्टार्ट करो और साथ ही साथ कंपनी में तो तुम अच्छा पैकेज ले ही रहे हो, ये बेनिफिट है सुनेगा, ठीक है, चलेगा। मैं यही कहूँगा सबको, चाहे तो आज का ये मोटो रख लो अपने दिमाग में, कैरियर वहाँ बनाओ जिसमें सीखने का अंत ना हो, ठीक है, कैरियर वहाँ ना बनाओ जहाँ पर 4 महीने बाद लगे यार आप उसी भगवान है, ठीक है, अगर आप गॉड बन गए तो फिर ग्रोथ कहाँ से है भैया, ठीक है, तो बस यही चीज़ को अगर रखोगे, होप आप लोग को मज़ा आया होगा, कमेंट करके बताना जरूर कि कैसा लगा ये आज का सेशन, क्या चाहते हो कि मैं फ्यूचर में भी कुछ ऐसे सेशन का प्लान करूँ क्या, ठीक है, प्लीज़ डू कमेंट कि क्या फ्यूचर में भी ऐसा कुछ प्लान करूँ। मैंने फर्स्ट टाइम किया था और पता नहीं कि मेरी आदत है, जो मेरे दिमाग में आता है मैं सोचता हूँ चलो करके देखते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं गुरुकुल भी एक दिमाग का ही एक वो था कि कुछ लोगों की ज़रूरत थी उसके हिसाब से गुरुकुल का प्लान कर लिया, और आज भी ऐसे कुछ लगा कि कई लोग के डाउट्स हैं तो मैंने कहा ऐसे ही करते हैं, ठीक है, चलेगा। कल BIM का सेपरेट लेक्चर रखा हुआ है, ठीक है, लेक्चर इन द सेंस कि जो हम 4 महीने में गुरुकुल में करने वाले हैं, ठीक है, जिसको जिसको BIM में अपना करियर बनाना है उसको जरूर अटेंड करना, ठीक है, उसमें कोई आपका फी वगैरह तो है नहीं, ये सीख जाओगे कि BIM में पढ़ना क्या क्या पड़ता है, ठीक है, तो उसको कर लेना, और उसके बाद क्या बोलते हैं किसी कोई डाउट रहेगा तो मुझे, अभी तो थोड़ा मैं जा रहा हूँ बाहर, ठीक है, खाना खाने के लिए, और 1 घंटे बाद कॉल करना होगा, आधे घंटे बाद कर लेना आराम से, या फिर कल मॉर्निंग में कर लेना, ठीक है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट करते हैं, ये प्रियदर्शी यहाँ पर बैठा हुआ है तो प्रियदर्शी से ही स्टार्ट करेंगे। प्रियदर्शी कल तुम अगर फ्री रहना तो एक बार मैसेज करना, क्या बोलते हैं कई लोगों ने बोला कि सर ये किसका रिज्यूम है, तो मैं तुम्हारा रिज्यूम बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो कल से तुमसे पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, जब फ्री रहना मैसेज करना, तो आधे घंटे का करेंगे, ठीक है, तुमसे स्टार्ट करते हैं, बाकी उसके बाद अब से कट रहे हैं, फिर जैद है, फिर सबकी सीरीज हो जाएगी। हाँ बोलो प्रियदर्शी। हेलो। हाँ प्रियदर्शी, गुड इवनिंग। कल कितने बजे किया जाए, आधे घंटे लगेंगे, लगभग 45 मिनट। हाँ सर, कभी भी कर लीजिए, अभी कल तो ऑफ रहेगा, मैं अभी था, अभी जा रहा था थोड़ा। अभी क्या, ऑफिस से निकला था। अच्छा, नहीं अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं भी जा रहा हूँ, खाने खाने भूख लगी हुई है, ठीक है। हाँ, ओके, कभी भी कर। हाँ, ठीक है, चलेगा, ओके, ठीक है, कल हम करेंगे इसके पॉडकास्ट के लिए। बहुत अच्छा चीज याद दिलाया कि मैं तो बोल ही गया था, ठीक है, तो इसमें गिफ्ट ये था कि एक मिनट इसका माइक बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग गिफ्ट के लिए बैठे हुए थे क्या, ठीक है, तो गिफ्ट ये था, ठीक है। रशीद एक मिनट, रशीद कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? सर होटल में यारे कि मेस में यारे? यार मैं बताऊँ ना, तो मुझे मजा आता है स्ट्रीट पे, ठीक है, मुझे होटल में फील ही नहीं आता है, ठीक है, और क्योंकि मैंने बचपन से स्ट्रीट का ही खाया हुआ है, तो चाइनीज नहीं, चाइनीज नहीं खाता हूँ, ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें खाऊंगा जो कि हेल्थ को मेरे खराब ना करें, और एक दो बिरयानी, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो बिरयानी तो आई थिंक नॉन वेज वाली ज्यादा अच्छी होती है मैंने सुना है, तो मैं ज्यादातर सब्जी रोटी खाऊंगा, या तो मैं बहुत सिंपल खाना खाता हूँ, ठीक है, या फिर मुझे डोसा बड़ा अच्छा लगता है, तो डोसा मेरा आज खाने का ऐसा प्लान है, जहाँ तक है कट डोसा उसमें मेरा फेवरेट है, ठीक है, तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं बाहर की ज्यादा चीज़ नहीं खा सकता हूँ। इंदौर गया तो मुझे पोहा खाना है, इंदौर का, सच बताऊँ तो मुझे बहुत मन है, ठीक है, इंदौर का पोहा बड़ा अच्छा होता है, और स्ट्रीट का एक अलग मज़ा है, ठीक है, होटल में वो ठीक है, अपने लिए बहुत बड़ी चीज़ तो कुछ नहीं है आज के टाइम्स के हिसाब से, बट क्या बोलते हैं जो एक हैबिट है वो स्ट्रीट की, ये तो उसे मज़ा आता है। चलो, और क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं बिल्कुल इंदौर में तो मुझे करना ही यार, ठीक है, देखो कब मौका मिलता है इंदौर जाने का, ठीक है, अभी कर रहे हैं कुछ प्लान ऐसा कि थोड़ा ठंडी कम हो जाए, अभी ठंडी बहुत है, तो थोड़ा भ्रमण का है प्लान ऐसा, कुछ दिमाग चला रहा हूँ, हो जाए तो बेटर है। चलो, हाँ, एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए, गिफ्ट ये था कि क्या बोलते हैं आप लोगों को यूनिक सिविल के ऐप से, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही फ्यूचर में या फिर कभी भी, ठीक है, तो आपको 1000 का हमारी तरफ से एक्स्ट्रा गिफ्ट रहेगा, ठीक है, ऐप में से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, जो कि अब डेफिनेटली अभी मत बोल देना कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट सर, वो तो खुद ही 900 का है, ठीक है, तो जैसे कि तुमको ऑल इन वन सीखना है, BIM सीखना है, कोई भी चीज़ सीखना है, 1000 के, अभी मैं PEB का एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहा हूँ, PEB का पूरा कंप्लीट सेशन, या गुरुकुल भी आना चाह रहे हो, तो जो ऑफ है वो तो है,
ठीक है, 1000 का हमारी तरफ से एक्स्ट्रा गिफ्ट रहेगा, ठीक है। सपोज कि ऑफ 50% है फिर भी आपको मिलेगा ऑफ, ठीक है। ये मेरे तरफ से आज का आपका गिफ्ट है, ठीक है। कौन कौन बोल रहा था, दिल की बात बोल दिया सर आपने, ठीक है ठीक है। समीर बिल्कुल तुम्हारा भी रहेगा, समीर तुम तो गुरुकुल में हो तो गुरुकुल की तुम्हारी जो फी है वो 1000 वैसे ही माइनस हो गई, ठीक है। जिसने जो भी करना है, ठीक है जगदीश, तो आपको 1000 का हमारे तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। देखो पैसे बहुत मैटर नहीं करते, मेन मैटर करता है कि हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए और हमारे अंदर एक नेचर होना चाहिए दूसरों की हेल्प करने की, ठीक है। चलो ठीक है, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट। और कल आप लोगों का मन करेगा तो BIM में क्या क्या गुरुकुल में करूँगा 4 महीने में उसका एक झलक दिखाऊंगा, तो कोशिश करना अटेंड करने का, मजा आएगा। इवनिंग में 6 बजे रखा हुआ है, ठीक है। चलो बाय बाय।